आप कितने भी ज्यादा मतलब कहते हैं ना डिस्टर्ब क्यों ना हो अपनी पर्सनल लाइफ में, आप हमेशा, आपको बोलते हैं ना पर्दा उठते ही जो है आपको अपना एक अलग कैरेक्टर ले लेना होता है, जो वो कैरेक्टर जो दुनिया जानती है, आप उनके सामने रोना नहीं रो सकते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट स्टिल आई एम लर्निंग कि कैसे पर्दा उठते ही जो है आपको अपना पर्सनल लाइफ को छोड़ के अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्विच करना है, और वो मैंने आपको करते हुए देखा है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग जो कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। Hey guys, welcome to this channel. My name is Virendra Singh. मैं आपके साथ जुड़ा हुआ इस YouTube चैनल पे और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं India's की one of the top educator in CSIR life science category, कुमारी मैम. Thank And you so much. welcome to this nice talk. क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही रेयरली इस पे कोई बात करता है, दैट व्हाट इज द हार्श रियलिटी अबाउट मेंटल स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एजुकेटर्स. जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं या जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, इवन ये ऑफलाइन टीचर्स के साथ भी होता है, बट स्टिल ऑनलाइन टीचर्स या जो ये एरा डिजिटलाइजेशन हुआ है जिसमें ऑनलाइन टीचिंग को काफी बढ़ावा मिला है, उसमें एक बैकग्राउंड, ये एक कह सकते हैं डार्क ट्रुथ भी है, जिसमें कि मेंटल स्टेटस ऑफ एजुकेटर्स का जो है वो किस तरीके से हैम्पर है, किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं मैम के साथ और कुछ अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे. सो वेलकम मैम वंस अगेन. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी ऑनलाइन की रही कैसे, आपने कब शुरू किया और किस तरीके से आप यहां तक पहुंचे हो, एक अगर आप मुझे ओवरव्यू दे पाओ उस तरीके से. ओके सो सर जस्ट लेट्स मेक इट टू वे, यू आर आल्सो एजुकेटर, सो आई वुड लव टू हियर योर लाइक व्यू आल्सो ऑन द सेम रिगार्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स हम जब बहुत से लोगों से बात करते हैं तो वी आल्सो कम टू नो कि एक्चुअल में व्हाट द फ्रंट पर्सन इज फीलिंग, क्या सेम टू सेम वही कंडीशन है, क्या सब एक ही नाव पे सवार है, या फिर मतलब सबका जो है कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है. तो ऑफ कोर्स लाइक आपने जैसे पूछा मुझसे कि ये सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ आज से 3 साल पहले जो है आई हैव स्टार्टेड विद अ यूट्यूब चैनल दैट इज टीचिंग पाठशाला. तो वहां से मैंने टीचिंग करना शुरू किया था, एंड जब शुरू किया था तो आई वॉज नॉट नोइंग की what will be the response of my audience, whether they will be liking my lectures or not. But yeah, the only thing which I have got to know from my friends, from my brother especially, क्योंकि मैं अपने brother को जो है काफी लंबे time से tuitions पढ़ाती थी. जब वो 11th 12th में गए तो stream हमारी अलग होने की वजह से they like he has to take tuition from somewhere else. Otherwise 10th class तक मैंने उनको खुद tuition पढ़ाया था. सो जितना भी मुझे कहीं से भी फीडबैक मिलता था ना, आई जस्ट कलेक्टेड दैट एंड आई थॉट कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना जो दायरा है उसको बढ़ाऊं. मैं किसी और को भी पढ़ा के देखती हूँ कि क्या उनको भी चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं. तो इनिशियली आज से 3 साल पहले मतलब ना यूट्यूब पे इतना क्रेज नहीं था, मतलब आप अभी के टाइम में जितने आपको आई मस्ट से कि जितने टीचर्स एक्टिव हैं यूट्यूब पे उतना पहले नहीं थे. तो ऑब्वियसली बहुत एक लंबा टाइम लग गया मुझे एक रिकॉग्निशन लेने में, बट यस आई हैव स्टार्टेड एज वेल एज मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था शुरुआत में. कम मिल रहा था लेकिन अच्छा मिल रहा था. एंड मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में जब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वी फील गुड. अच्छा अच्छा सुनना सभी को अच्छा लगता है, राइट? अच्छा सुनना सभी को अच्छा लगता है. सो दैट इज वॉट आई वॉज ऑल्सो गेटिंग, क्योंकि ऑडियंस या रादर टू से मेरे स्टूडेंट्स या मेरे व्यूअर्स कम थे, तो आई वॉज गेटिंग अ very specific response, but it was good. But जैसे जैसे time बढ़ा obviously वैसे वैसे जो है वो response ज्यादा हुए, मतलब बहुत सारे views आने लगे, बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया. But साथ साथ में मुझे एक और reality पता चली कि हमेशा सब चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं. Like we have to accept this thing कि हम हमेशा एक happy mode में वो वाला taboo लेके नहीं चल सकते. We have to face some reality also. तो सच कहूँ तो शुरुआती टाइम में जब मुझे अपनी टीचिंग को लेके मतलब ऐसा था कि रेशियो बहुत कम ही रहता था नेगेटिव चीज़ों का, बट जब रेशियो मुझे मिलता था तो इट वाज लाइक 98 to 2%, मतलब 2% लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो 98% लोग अच्छा भी कहते हैं. तो जो आई थिंक बाई गॉड ग्रेस अभी भी एज इट इज मेंटेन है मेरे टीचिंग पाठशाला पे. लेकिन विद टाइम मैंने ये चीज़ समझा कि हर एक कड़वी लगने वाली बात, जरूरी नहीं है कि आपको
उसको नेगेटिव वे में ही लेना है। कुछ एकाध कड़वी लगने वाली बातें जो है हमें सुधारने के लिए होते हैं, जैसे हम मेनली बोलते हैं क्रिटिसिज्म तो हो रहा है लेकिन दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप खुले दिल से अपनी कमियों को दूसरों से सुन के भी एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आई थिंक वो पहला एक ऐसा कदम होता है ना जब यू आर रेडी टू फेस एवरीथिंग एंड आपको ये चीज समझ में आती है कि ठीक है जब तक कोई टोकेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हमें तो हमारे लिए सारी चीजें अच्छी ही लग रही हैं लेकिन जब तक सामने वाला कोई बोलेगा नहीं कि हमें क्या कमियां हैं वी कुड नेवर करेक्ट दैट। तो मैंने खुले दिल से थोड़े मुझे ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एकदम झटके में प्रो हो गई, मतलब मैंने खुले दिल से जो है मतलब क्रिटिसिज्म को लेना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली टाइम लगा, मतलब इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। एंड जो भी स्टूडेंट मुझे क्रिटिसाइज करते थे लेकिन उनका एक एटीट्यूड पॉजिटिव रहता था, मतलब बोलने का लहजा, मुझे टोकने का तरीका, मुझे सुधारने का तरीका, तो एक कमेंट को पढ़ के समझ में आ जाता था कि क्या सामने वाला इंसान मुझे सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए वो मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है या मुझे सुधारने के लिए कर रहा है। तो जितने भी कमेंट उसके बाद आए मुझे सुधारने के लिए मैंने उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया एंड आई जस्ट सेड थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर द फीडबैक, ऑब्वियसली आई विल वर्क इन फ्यूचर, जो भी मेरी मिस्टेक है उसमें मैं फ्यूचर में जरूर काम करना चाहूंगी। एंड ये सब हो रहा था इन बिटवीन ही आई जस्ट गॉट सेलेक्टेड फॉर द अदर प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी, जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट से काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ एंड आई थॉट कि देर विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड ऑफकोर्स इट वॉज, बट जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जिन बच्चों को मैं सिर्फ कमेंट में पढ़ा करती थी कि दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, नाउ आई एम इंटरेक्टिंग विद देम एंड अगर उनको कोई चीज खराब लगे तो दे कैन जस्ट इन द लाइव क्लासेस ओनली दे कैन जस्ट टेल मी कि यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन अ प्रॉपर वे और आप ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। देन आई रियलाइज की क्रिटिसाइजिंग कमेंट से ज्यादा मतलब उसको डील करने से ज्यादा टफ था लाइव क्लास में अपने क्रिटिसिज्म को सुनना, वो भी तब जब आपके स्टूडेंट पूरे भरे हुए हैं क्लास में, तो वो भी एक चीज थी। बट ऑफकोर्स दीज आर द फेजेस ऑफ लाइफ, वी हैव टू लर्न एवरी टाइम एंड दैट इज वॉट आई एम डूइंग। तो अभी मुझे टीचिंग फील्ड में मतलब मैं अपने टीचिंग पाठशाला को लूँ और अनअकैडमी के करियर को लूँ, दोनों को मिला के कहूँ तो अभी मुझे लगभग 3 साल से ज्यादा होने वाले हैं इस टीचिंग फील्ड में एंटर किए हुए एंड ऑफकोर्स आई एम हैविंग अ वेरी रोलर कोस्टर टाइप ऑफ फीलिंग्स, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट मिक्स ऑफ फीलिंग्स। सो दिस वॉज द होल लाइक स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, मतलब मैंने जो आपको बताया इट वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग, एक डर के साथ मैं एंटर तो कर चुकी थी बट आई वॉज नॉट नोइंग कि इसको ये आगे कैसे जाएगा और मैं इसको कंट्रोल करके या फिर इसको बैलेंस बेसिस पे मैं कैसे लेकर जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि 3 साल आपके पूरे होने वाले और अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक काफी कुछ आपने शेयर किया और ये जर्नी काफी अच्छी भी रही है। सो एनी थिंग जो मैं अगर सबसे कह सकता हूँ सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था पूरे जर्नी में, विच पार्ट इज मोस्ट चैलेंजिंग? सर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि यू विल फील लाइक कि आप अपने स्टूडेंट के लिए सब कुछ मतलब जो भी कर रहे हो ठीक है। जो एक चीज मैंने देखी थी फ्रॉम अ वेरी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम, एक आई थिंक आप भी सुनते होंगे लोग कहते थे कि कुछ नहीं करना चाहते हो ठीक है टीचर बन जाओ ठीक है, ये चीज मैंने देखी थी कि कुछ नहीं करना चाहते हो टीचर बन जाओ, टीचर से ज्यादा आसान जॉब क्या होती है। तो मैं इनफैक्ट अभी भी आपको ये कह सकती हूँ कि ये चीज ना अभी भी मतलब चलता है, लोगों के मुंह से अभी भी सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं करना चाहते हो ठीक है बीएड कर लो ये कर लो वो कर लो टीचर बन जाओ। बट आई मस्ट टेल यू कि जो मैंने इतने साल में एक्सपीरियंस किया है आई थिंक टीचिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, आई हैव टू से दैट, क्योंकि एक इंसान मतलब कोई भी फील्ड का आप ले लीजिए ठीक है, वो पहले पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो जब अपने जॉब फील्ड में एंटर करता है ना तो उसको उस पढ़ाई का ना एप्लीकेशन फॉर्म उसको करने को मिलता है, लेकिन वी लाइक द टीचर और द एजुकेटर्स उनका पढ़ाई भी सेम है उनका एप्लीकेशन भी सेम है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना उसको और ज्यादा आपको पॉलिश करके सामने वाले को समझाना है, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है कि व्हाट यू आर गेनिंग एंड व्हाट योर आउटपुट इज, दोनों सेम टू सेम है। और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोर्शन होता है कि आपको पूरी जिंदगी अपडेटेड रहना पड़ता है, और अपडेटेड रहने का मतलब ये है कि यू हैव टू स्टडी फॉर द होल लाइफ, इफ यू आर अ टीचर यू आर लर्निंग एवरी डे एंड यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट टू योर स्टूडेंट, आप थोड़ी देर कहीं पे रुक के ये नहीं कह सकते हो कि बस हो गया मैं अपडेटेड नहीं रहना चाहता हूँ, यू हैव टू लर्न एवरी डे फ्रॉम ईच एंड एवरी थिंग एंड तभी जो है आप अपनी छोटी छोटी चीजों से भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ गेन करवा सकते हो। और पता नहीं क्यों मतलब शायद ये नजरिया ही हो जाता है कि
एक कोई चीज हो रही है, अगर दो लोगों को बोला जाए आप उसको देखकर बताओ आपको क्या फील हो रहा है, आई एम डैम श्योर एक नॉर्मल इंसान का जवाब अलग होगा, एक टीचर का जवाब अलग होगा, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ मतलब अलग ही निकाल रहा होगा, मतलब या कुछ सीखने की कोशिश कर रहा होगा या उसका कुछ और मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान उसको एक बोले ठीक है ये मशीन चल रही है तो बस चल रही है, लेकिन एक टीचर का पर्सपेक्टिव वहां पे अलग हो जाता है, बिकॉज उसको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ लाइफ में डील करने होते हैं जो अपने वो स्टूडेंट के सामने भी रखता है। तो अभी तक जो मैं मोस्ट चैलेंजिंग चीज अभी तक झेल रही हूँ वो फिलहाल में मतलब फ्रॉम माय टीचिंग पर्पस एक्सपीरियंस में आप कह सकती हैं, या फिर मेरे टीचिंग के मतलब जो मैं गेन करती हूँ कि लर्निंग मेरी आज तक बंद नहीं हुई है, मतलब आई वाज नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ लर्निंग एनीथिंग, ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान की तरह मेरा भी एक वो होता था कि मतलब आई एम जस्ट फेड अप, आई डोंट वांट टू लर्न दिस, और अभी बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट कैटेगरी ओनली, बट इस लाइन में आने के बाद, टीचिंग की लाइन में आने के बाद, बिलीव मी एक दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने कहा हो कि नहीं आज ये नहीं पढ़ते हैं या फिर आज नहीं पढ़ते हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ आपको सीखना है और उसको फिर अपने बच्चों को सिखाना भी है, वो भी एक बहुत ही कितना ही बोरिंग कंसेप्ट की ना हो लेकिन उसको एक इंटरेस्टिंग बेसिस पे सामने लेकर आना है। तो अभी तक टीचिंग के एक जरिए से अगर देखूं तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग जो कि मैं अभी भी फेस कर रही हूं और आई थिंक आगे भी शायद करती रहूंगी, लेकिन थोड़ा सा बोलते ना स्माइल के साथ, अभी थोड़ा टेंशन में होके करती हूँ, बाद में थोड़ा सा ज्यादा स्माइल करूंगी, क्योंकि एक हैबिट में चला आता है, वो एक कैरेक्टर में हमें लेना पड़ता है उन सब चीजों को। सर इवन आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, आई वुड लाइक टू योर लाइक टू नो योर पॉइंट ऑल्सो कि आपको अभी तक क्या मतलब फ्रॉम टीचिंग परस्पेक्टिव आपको क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है? टीचिंग पर्सपेक्टिव से या जो मेरे इस पूरे करियर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है दैट्स लाइक डूइंग द सेम थिंग विद द न्यू एक्साइटमेंट, जैसा कि वी हैव टू टेल लाइक अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड होते हो तो आपको सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, अलग अलग इयर्स, अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट के साथ एक नई एनर्जी के साथ पढ़ाना होता है। That's we are telling the same story, वही बात होती है, जैसे हम एक जोक सुनने के बाद बार बार हंस नहीं सकते, प्रॉब्लम सुनने के बाद बार बार दुखी नहीं हो सकते, लेकिन एक ही स्टोरी को हमें हर बार एक एक्साइटमेंट तरीके से हर बैच में बतानी पड़ती है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि समटाइम्स लगता है कि यार वही अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट, वही जो है टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट, बट अगर आप वहाँ पे थोड़े से भी लैक हुए, अगर आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी डाउन हुई, सो लर्नर्स के साथ जस्टिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हम उस तरीके से हमने शुरुआत करी उस एनर्जी लेवल से, और खुद को डिग्रेड होते देखना है, खुद की एनर्जी को कम होते देखना खुद ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, की मतलब सेम एनर्जी मेंटेन करके रखना फॉर द सेम कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द इयर्स, थ्रू आउट द करियर। सर इनफैक्ट एट द सेम टाइम ऑल्सो हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना आगे, मतलब जो स्टूडेंट हमसे जो नए नए भी जुड़ रहे हैं वो उससे भी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ते हैं, मतलब उन्होंने कहीं से सुना है, अब उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो जिनसे सुना है उसका एक्सपेक्टेशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो जो नए वाले होते हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होता है, और हमारी जो एनर्जी होती है हर एक बैच के साथ वो जितनी पहले थी वो उससे थोड़ी सी और कम रहती है, तो वो उस मैच करने में ऑब्वियसली वी नो कि कितना ज्यादा हमें उस एक डिफरेंस को मेंटेन करने में कितना ज्यादा एक पे ऑफ करना पड़ता है, दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो आई थिंक मतलब मुझे अभी भी लगता है कि पता नहीं जिन टीचरों से हमने पढ़ा है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, मतलब जितना भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, और स्पेशली वो टीचर्स जो इतने ज्यादा यू नो एज थे, एक्सपीरियंस थे, और जब उनका उनसे बातें सुनते हैं कि 18 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो मतलब हाउ दे यूज टू मेंटेन दैट मच ऑफ यू नो एनर्जी, दैट मच ऑफ पॉजिटिव ऑरा, कि वो हमें भी इंस्पायर करते थे, स्पेशली वो टीचर्स जो जिनसे हम एक्चुअल में इंस्पिरेशन लिए हमारी लाइफ में। तो दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से कि टीचिंग इज नॉट एट ऑल इजी, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल इजी। सो बिफोर गोइंग टू अनदर क्वेश्चंस, लाइक पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, जो कभी भी ऑनलाइन टीचिंग में अपना कदम रखना चाह रहे हैं, या कई सारे इस खूबसूरत दुनिया, YouTube की दुनिया, या जो भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से जो है आप आसानी से एजुकेटर बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं आपके मेंटल लेवल पे, तो उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ तक पहुंची हैं तो चाहे स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, अब ऐसे कुछ एजुकेटर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनको हम हमेशा
क्रेडिट देना चाहते हैं या जिनको हम हमेशा एक थैंक यू नोट बोलना चाहते हैं, तो ऐसे मैम बस उनका नाम जानना चाहूंगा और किस लेवल पे उन्होंने किस यानी किस स्ट्रीम पे स्कूल में या कॉलेजेस में आपकी किस कैसे मदद की थी उन्होंने इन शॉर्ट। ओके सर, स्कूल लेवल पे इट वाज लाइक मतलब पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि एक बर्डन होता था सिर पे कि यू नो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा और आगे जो स्ट्रीम में जाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो आई वॉज अ स्टूडियस स्टूडेंट, इवन आई वॉज वेरी यू नो रैंकर भी मैं रहा करती थी स्कूल में, बट लोगों को लगता है पढ़ाकू थी इसलिए रैंकर थी, बट पढ़ाकू से ज्यादा ये एक रहता था मतलब कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब एक रहता है ना एक अलग से एक मेंटल प्रेशर रहता है, ये नहीं कि फैमिली डालती थी बट वो एक रहता था, क्योंकि जब आपके साथ आपके कलीग मतलब कि नॉट कलीग्स आपके कजन्स जो हैं इफ दे आर परफॉर्मिंग गुड अपने आप ही आप अनवांटेडली एक कॉम्पिटिशन में चले ही आते हो, ना चाह के भी आप एक ऐसी अलग से दौड़ लगाने लगते हो जिसमें कि पता नहीं होता कि जीतना जरूरी भी है या नहीं जरूरी है ये पता नहीं होता, बट ये पता होता बस दौड़ते रहना है ठीक है, अदरवाइज अगर आप रुके तो आपको कंपेरिजन बहुत सारे मिलेंगे, अब कभी उस कंपेरिजन से आपकी फैमिली को बुरा लगेगा, आपकी फैमिली को बुरा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब ठीक ठाक रहा मेरा स्कूल टाइम भी, मैं पढ़ती ज्यादा थी, ऑब्वियसली ये नहीं कहूंगी कि मैं ऐसी स्टूडेंट थी कि कम पढ़ के बहुत ज्यादा नंबर ले लिए, नहीं पढ़ती ज्यादा थी इसलिए नंबर ज्यादा आते थे, दैट वाज अ थिंग। तो स्कूल लाइफ में मैं दोनों प्रोस्पेक्टिव से कहना चाहूंगी, कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका पढ़ाना भी मुझे अच्छा लगता था और वो इंस्पायर भी करते थे, कुछ ऐसे टीचर्स थे कि उनका मतलब मुझे टॉपिक या सब्जेक्ट बहुत टफ लगता था बट दे यूज टू इंस्पायर मी अ लॉट। तो ऐसे कुछ टीचर्स रहे हैं जैसे कि बहुत इनिशियल टाइम में अगर कहूँ तो देर वॉज अ सर सिडाना सर, उनसे मैंने बायोलॉजी गेन की थी राजस्थान, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में जगाया था, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा एक मतलब लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा कि नो आई शुड फोकस ऑन बायोलॉजी। ओके अदरवाइज मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, मतलब मैं कुछ और करूँ कुछ हटके करूँ, बट ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने मुझे बायोलॉजी बहुत खूबसूरती तरीके से जो है उसका मीनिंग बताते थे समझाते थे और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंटरेस्ट वहां से जागा। ही वॉज अ वेरी ओल्ड पर्सन उस टाइम भी, मतलब मैं अभी की जब बात करूँ तो उस टाइम पे आई गेस मैं शायद 8th 9th क्लास में रही होंगी, तो उस टाइम भी वो एक दादाजी की उम्र के मतलब एक टीचर थे, यू कैन इमेजिन द एज, बट ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत इंस्पायर भी करते थे, एंड इवन ही वॉज अ पैरालाइज फ्रॉम वन लेग बट Still, he used to motivate us a lot. तो उनसे मैंने जो है रेगुलर गाइडेंस लेना शुरू किया एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते थे, मतलब एक होता है ना किसी टीचर से आप बात कर रहे हो तो उसे एक पॉजिटिव वाइब्स आना बहुत जरूरी होता है, वो आपको अपने ऊपर भी यकीन करने में थोड़ा बहुत इनिशियल टाइम में मदद करता है, क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या होता है इनिशियली हमको ये नहीं होता कि नहीं हमें खुद पे बहुत ज्यादा यकीन है, सामने वाला जब थोड़ा सा हमारे में यकीन शो करता है तो ऑटोमेटिकली वो यकीन डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज वॉट हैपेंड। उसके बाद मैं अपने हाई स्कूल में आई तो देर वॉज अ टीचर, बहुत से अलग अलग टीचर थे, आई थिंक देर वॉज वन ऑफ द टीचर संजय रावत सर, वॉज अ वेरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर, आई कैन से केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बिलीव मी आई हेट केमिस्ट्री ठीक है, बट मुझे उनसे केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था बिकॉज वो इतने ईज तरीके से पढ़ा जाते थे कि मतलब मजा आ जाता था, मतलब ऐसा लगता था कि वाह मजा आ गया, बात अलग है बाद में जल्दी भूल जाते थे क्योंकि केमिस्ट्री इज अ थिंग जिसमें कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आप तुरंत भूल जाओगे, लेकिन क्लास में पढ़ के मजा आता था, उनकी बातें उनकी सारी चीजें मतलब जो वो एक एटीट्यूड कैरी करते थे मतलब बहुत डाउन टू अर्थ बहुत ज्यादा, मतलब मुझे उनको देख के लगता है कि कोई इंसान इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह सकता है इतना ज्यादा नॉलेज लेकर, मतलब वो चलती फिरती केमिस्ट्री की पूरी बुक थे, मतलब ही नोज एवरीथिंग, आप कभी भी कहीं भी उनसे कुछ भी पूछ दो वो हर चीज का तुरंत जवाब देते थे, और मतलब अलग ही ऐसा मतलब टीचर बहुत देखे थे लेकिन वैसा नहीं देखा था, तो मुझे लगता था कि यार इनकी ना मतलब इनकी पर्सनालिटी ही अलग अलग चीज है, तो उनको देख के एक बहुत पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलती थी, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा मतलब हमारी कहते हैं हमें बहुत डांट लगा देते, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, बट बाद में वो स्ट्रिक्ट से ज्यादा हमें मतलब फ्रेंडली लगने लगे, मतलब एक ऐसा होते हैं ना कुछ कुछ टीचर की थोड़ा सा डांट के समझाते हैं लेकिन दे आर नॉट इंजीरियस फॉर आवर हेल्थ, तो दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज देयर, तो थोड़े मजाकिया थे थोड़े से डांटते भी थे बट ही वॉज अ गुड पर्सन, तो उनसे मुझे मेरे हाई स्कूल में थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला। कॉलेज टाइम में गई तो कॉलेज टाइम में आई मस्ट से कि मतलब मैं बहुत अलग अलग टीचर से मैं मिली अपनी कॉलेज टाइम में बीएससी से लेकर एमएससी तक, बट मुझे एक मतलब मेरे एक सीनियर थे मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली,
एंड आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, दैट इज गौरव दास. और वो एक ऐसे सीनियर है जिन्होंने थ्रू आउट माई जर्नी, मतलब मेरे पूरे कॉलेज लाइफ में मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा. एंड ही वॉज अ पर्सन जिनको देख के मुझे लगता था आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम. मैं जल्दी खुद को जो है किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ. मुझे लगा कि मैं इनकी तरह नहीं बन पाई, लेकिन इनके अंदर जो गुण है ना वो मुझे मेरे अंदर चाहिए. मतलब इतना ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन है वो. पता नहीं, आई थिंक मतलब 10-15 से भी ज्यादा उन्होंने नेशनल लेवल एग्जाम मतलब क्रैक किए हैं. जितने एग्जिस्ट करते हैं आई थिंक मैक्सिमम उन्होंने क्रैक किए हैं. लेकिन कोई उनसे मिलेगा तो कोई कह नहीं सकता है कि वो इतने नॉलेजफुल पर्सन है. और कभी अनवांटेडली गुस्सा नहीं, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को गुस्सा आ जाएगा वहां पे भी वो गुस्सा नहीं करना चाहेंगे. तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू डालने में ना उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. आई डोंट नो वेदर ही नोज दिस थिंग्स और नॉट, बट उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है. मैंने उनसे सीखा है कि नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि, या फिर एक बहुत एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना पांव जमीन पे रखना भूल जाओ. नॉलेजफुल इंसान वो होता है जो आसमान के सपने देखता है लेकिन अपने पांव को जमीन पे रखता है, और तभी आपको हकीकत पता रहती है. क्योंकि अगर आप बोलते ना पांव हटा के उड़ गए अगर आसमान में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी जोर से आगे गिरोगे. तो जमीन पे पांव रहना बहुत जरूरी है. और ये चीज उनकी पर्सनालिटी समझाती थी. वो बहुत कम हमें मोटिवेशन लेक्चर देते थे क्योंकि वो चलते फिरते खुद एक मोटिवेशन थे. मैं ही मतलब मेरा ही नहीं, बहुत से हजारों स्टूडेंट जो भी उनके कॉन्टेक्ट में थे उनके लिए एक चलता फिरता मोटिवेशन थे. एंड मैं अकेली ही नहीं हूँ जो मोटिवेट हुई हूँ उनके उस एक मतलब जो भी वो एक कहते ना एक कैरेक्टर को कैरी करते थे. वो चलते फिरते एक ऐसी मतलब पर्सनैलिटी थे जिनको देख के कोई मतलब बोलते ना एक मतलब हर एक मिनट में कुछ सीख सकता था. तो वो मेरी लाइफ में कॉलेज टाइम में जो है वो एक ऐसे रहे हैं जो जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ. ऑल्दो ही वॉज माई सीनियर, बट उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ. बहुत से चीज़ों को उन्होंने डेवलप करने में बहुत हेल्प की है. तो ये कुछ स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ तक के जो है कुछ टीचर्स रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स कॉलेज में और भी प्रोफेसर रहे हैं, एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा. बहुत सारे प्रोफेसर हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा करके, वो कहते हैं ना गुरु से ज्ञान मिलता रहता है. किसी से थोड़ा सा हम ज्यादा ले पाते हैं, किसी से थोड़ा कम ले पाते हैं, लेकिन मिलता हर जगह से ही रहता है. आपने मुझसे कुछ नहीं सीखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर. आप बोलते हैं ना कि जरूरी नहीं है हमेशा सिखाने वाला जो है एक ऐसा इंसान ही होना चाहिए जिससे आप हमेशा लेक्चर लेते रहो. किसी किसी इंसान की कहते हैं कि जैसे वो इंसान खुद को कैरी करता है या खुद को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, उससे भी बहुत कुछ सीखा जाता है. तो यस, मैंने आपसे अपने टीचिंग करियर में जो है कुछ सीखा है. और सीख मतलब एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीज है, छोटी छोटी हैं, बट उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. पहला एक चीज ये कि आप कितने भी ज्यादा मतलब कहते हैं ना डिस्टर्ब क्यों ना हो अपनी पर्सनल लाइफ में, आप हमेशा, आपको बोलते हैं ना पर्दा उठते ही जो है आपको अपना एक अलग कैरेक्टर ले लेना होता है, जो वो कैरेक्टर जो दुनिया जानती है. आप उनके सामने रोना नहीं रो सकते हो कि यू नो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ लाइक, अगर आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं तो बुरे दिन भी मिलेंगे. तो अच्छे दिन में आप स्माइल के साथ जा रहे हो पर्दा उठने के साथ, और बुरे दिन में आप वहां पे रो के नहीं जा सकते हो. तो एक वो कहते हैं ना ये चीज मतलब आपको अपने अंदर उतारनी पड़ती है. अचानक से नहीं हो सकता कि अगर आपका मूड खराब है तो आप जाओगे और उदास मूड से सीख सकते, मतलब कि यू नो शुरू कर दो आप अपना जो भी पढ़ा रहे हो या जो भी कर रहे हो. स्टिल मैं ये कहूंगी कि 100% सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ. कभी कभी मेरा मूड ऑफ रहता है तो मैं सामने वाले का भी थोड़ा बहुत कभी कभार कर देती हूँ मूड ऑफ, बट स्टिल आई एम लर्निंग कि कैसे पर्दा उठते ही जो है आपको अपना पर्सनल लाइफ को छोड़ के अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्विच करना है. और वो मैंने आपको करते हुए देखा है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग जो कि मैं अभी भी सीख रही हूँ. इसके अलावा जो कहते हैं ना कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब आई मस्ट से आप में बहुत ज्यादा है. आप मतलब कहते हैं, मैंने देखा है या सुना है रादर टू से कि जिद्दी जिद्दीपन का भी एक पॉजिटिव साइड होता है, और वो मैं आपके फॉर्म में देखती हूँ. मतलब अगर एक इंसान कुछ करने की जिद पर चला आए तो वो कर सकता है. वो मुझे पहले लगता था कि नहीं, जिद कहीं तो जाके टूटती है मतलब, लेकिन अगर एक पॉजिटिव आपका वो जिद है और आपने उसको पकड़ रखा है तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी. तो वो चीज मैंने आपसे बहुत सीखी और मैं उसको आज भी अप्लाई करती हूँ कि अगर मुझे वो चीज चाहिए एंड इफ दैट इज करेक्ट आई शुड ट्राई माय बेस्ट, तब तक तो एटलीस्ट ट्राई करना ही है मुझे, जब तक मेरा इनर मी मुझे ये ना कहे कि नहीं अब रहने दो, अब बहुत हो गया, अब तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो. तो ये दो चीजें मैंने आपकी लाइफ से सीखी है और हमेशा भी सीखती रहती हूँ, और आगे भी आई थिंक बहुत सी ऐसी नई नई चीजें हैं जो कि मैं सीखती रहूंगी. थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन. मुझे नहीं पता था इतनी चीजें आप सीख रही हैं. नहीं सर, और एक बार आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है,
तो जब आपने ये बात कही थी मुझसे, तब मैंने बोला कि नहीं, ऐसा जरूरी है, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रहना बहुत जरूरी है. तो ठीक है, आई यूज टू ऑब्जर्व, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और ज्यादा उस पर, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करने की चीजों को कोशिश करती हूँ. आई थिंक दैट इज वाई आई एम लर्निंग दिस मच. अदरवाइज अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा नहीं है तो आप लर्निंग, आई थिंक दिस बोथ थिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इफ यू आर गुड एट ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली आप बहुत सारा कुछ लर्न करते हो. तो स्टिल आई एम इम्प्रूविंग. Like to mention like some of my educators जिन्होंने मुझे बहुत help करी. I would love to hear that. तो there's like lots of teachers वहाँ पे थे बचपन से लेके अभी तक, and I just want to mention their names. अलग-अलग बहुत सारे categories में help किया था. जब हम खुद चलना नहीं, मैं कह सकते कि दो तीन साल में मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त एक मेहदी हसन नाम के टीचर हुआ करते थे जिन्होंने पेड़ के नीचे हमें पढ़ाया है. तो शुरुआत वहां से थी, और उनको देख के ऐसे लगता जैसे आपने सिंपलिसिटी की बात करी. ही वॉज वेरी सिंपल, मतलब सिर्फ सफेद कपड़े पहन के आते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि आदमी खो जाता था. और उसके बाद जो स्कूलिंग रही है वहां पे एक अर्जुन सर करके टीचर थे जो काफी अप्रिसिएट करते थे. ऑल्दो आई एम फ्रॉम स्टेट बोर्ड या गांव में जो प्राथमिक विद्यालय में इंग्लिश कहते उतना अच्छा उनको आता था जितने लोग एक्चुअल इंग्लिश नहीं जानते थे. तो काफी कुछ सीखने को मिलता था उनसे. इसके अलावा जब मैं स्कूल में गया था तो स्कूल में लाल बहादुर सर थे जिन्होंने कह सकते हैं कि मेरी पूरी स्कूलिंग 9th to 12th हेल्प करी थी, क्योंकि मेरा स्कूल मेरे घर से करीब करीब 15 से 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती थी और एक पतले दुबले इंसान को जाना बहुत मुश्किल होता था. तो वो मेरी ऑल्दो यहाँ पे अभी बताना मे बी, बट वो मेरी अटेंडेंस लगा दिया करते थे कि ठीक है तुम नहीं आ पाते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ इस मामले में, लेकिन जितना हो सके तुम आया करो. सो उसके बाद बीटेक में कई सारे एजुकेटर्स थे, नरेंद्र सर थे, सविता मैम थी, और बाकी उसके बाद प्रदीप सर जो कि अभी मेरे पीएचडी गाइड भी हैं. और कहते कि अल्टीमेटली अलग अलग टीचर्स को देखने के बाद, और एक टीचर जो मैं हमेशा मेंशन करना चाहता हूँ, नीरज तिवारी सर जो कि पाथफाइंडर में पढ़ाते थे, और इसलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ थॉट प्रोसेस जो थी उनकी क्लासेस देखने के बाद, उनकी एक बातें सुनने के बाद जो है पूरी चेंज हो गई कि इंसान को तब मेहनत करनी चाहिए और सबसे पहले अपने फैमिलीज को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए. क्योंकि अगर फैमिलीज नहीं है तो आपका पैसा, आपका करियर, आपका फेम कुछ भी नहीं है, अगर आपके साथ कोई उसको शेयर करने वाला नहीं है तो. सो दीज आर द पीपल जिन्होंने लाइफ में काफी हेल्प करी, काफी सपोर्ट किया, और डीके सर वाज आल्सो देयर. सो बहुत सारे टीचर्स थे. मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी को अपने साइड से, क्योंकि मैं बहुत रेयरली मेंशन करता हूँ इतने सारे नाम्स, और मैं इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि आई वांट टू मेंशन दोज नेम्स टू. और तो इस ये तो बातें हो गई कि आपने कैसे अपनी जर्नी करी और कौन कौन से एजुकेटर्स थे. हाँ जी बताइए. ओके सो जैसा कि उड़ती उड़ती खबरों से जो है मुझे सूत्रों से पता चला है और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन मैं बना रही हूँ. आपकी जो फ्रॉम अ वेरी इनिशियल टाइम और अभी जो आप कर रहे हो, मतलब जिस वीरेंद्र सिंह को अभी लोग जानते हैं और जहाँ से ये सफर शुरू हुआ था, तो जहाँ तक मुझे पता है इट वॉज नॉट दैट ईजी फॉर बींग लेस देन अ नॉर्मल स्टूडेंट. उस स्टूडेंट का इस मुकाम तक आना, इट वॉज नॉट दैट ईजी जर्नी. तो आई वुड लाइक टू नो कि आपको क्या लगता है, मतलब आप अगर आपसे कोई एक आपके जैसा स्टूडेंट, एकदम आपके जैसा, पूरे आपकी कंडीशन जैसा स्टूडेंट, अगर आपसे वो ऐसा कहे कि सर मेरा तो ऐसा ऐसा कंडीशन है, मतलब मुझे अपने मतलब कि मेरे बैकग्राउंड से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो वॉट यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि क्या ये रियलिटी में, मतलब एक्चुअल में ये रियलिटी हो सकती है कि यस अगर इस मतलब बहुत सी चीजों का हमारी लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता है तो वी कांट डू एनीथिंग, और आप या फिर कुछ और मैसेज देना चाहोगे इस चीज के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट प्लांट्स या सपोर्टिंग प्लांट्स जिनको ग्रो करने के लिए किसी दूसरे प्लांट की जरूरत है. सो अल्टीमेटली आई हैव, पहले तो मैं भी जब उस फेज में था तो मुझे इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं थी, या मैं भी हताश होता था, डिस्टर्ब होता था. बट अभी मैं एक चीज कह सकता हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो जरूरत है भी नहीं. कभी जुगनू किसी सूरज की रोशनी की मोहताज नहीं होता कि उसे रातों में कहाँ जाना है, वो अपनी रोशनी खुद लेके चलता है.
एंड हमें उसी तरीके से बनना होता है। जब भी हम चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है तो दैट्स करना है बस। अगर आपने वो डिसाइड कर लिया कि मुझे आपके गोल्स, आपके सपने जो होते हैं आपको मोटिवेट करते, आपके डिजायर्स मोटिवेट करते हैं, अगर आपका फोकस आपके प्रॉब्लम्स पे होगा जो नहीं है उस पे रोने के लिए होगा, कोई सपोर्ट करे उसके लिए होगा, सिंपथी सीकिंग के लिए होगा, तो आप कभी भी खुद ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं कि अगर कोई प्लांट चट्टानों पे भी ग्रो करना चाहे तो पत्थरों पे ग्रो कर जाते हैं। तो वो उनकी जिद होती है, दैट एग्जैक्टली जैसे आपने मेंशन किया जिद। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जिद है तो जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी बनानी है तो आप जिद मेंटेन करके रखो, जो चाहिए उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दो। और अगर आपके मन में सच्चाई होगी तो शाहरुख खान की कही बात आप पे बिल्कुल साबित होती है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो चाहने के साथ साथ मैं यही मेंशन करता हूँ, किसी चीज को शिद्दत से चाहो और उसके लिए उतनी मेहनत करो तो जरूर मिल जाएगी वो। जी बिल्कुल, दैट्स बहुत ऑल। सही कहा आपने ये चीज। तो वही है, मतलब बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है। बस यही है कि उसको उस मकाम तक रखो कि हाँ, तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए जो है रेडी रहो। हम हाउ लर्नर्स कमेंट अफेक्ट अ मेंटल स्टेटस ऑफ एजुकेटर, कैसे अफेक्ट करता है? सर, इफेक्ट तो बहुत करता है, आई मस्ट से दैट। जैसे कि कुछ एक इंसिडेंट ही ले लीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए क्लासेस में होती हैं, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ लाइव क्लासेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस के कमेंट डील कर रहे हो, मतलब आपको फिर आपके वीडियो के नीचे के कमेंट बहुत नॉर्मल लगने लगते हैं, क्योंकि आप लाइव जब किसी इंसान का क्रिटिसिज्म ले रहे हो या समथिंग लाइक दैट। तो जैसे कि मैंने इनिशियली कहा था, देयर इज अ टू टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब कुछ बच्चे होते हैं, व्हाट आई हैव सीन दैट कि बीइंग फ्रॉम द एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई एम सिटिंग एंड टेकिंग सम क्लासेस, और कुछ बच्चे जैसे कि आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता उस टाइप, कुछ बहुत कम ही होते हैं वो, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं नंबर में वो बच्चे, लेकिन हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगे कि ऐसा लगता है कि उनका टारगेट आपका मेंटल स्टेटस होता है। मतलब कोई एजुकेटर इतना शांत ढंग से क्यों क्लास ले रहा है, कैसे ले रहा है, वी वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दिस शांति, ठीक है, अशांति क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे लर्नर आई मस्ट से कि मुझे हर क्लास में मिल जाते हैं, हर क्लास में या फिर हर बैच में मुझे मिल जाएंगे। कम मिलेंगे, मुश्किल से उनका नंबर, यू नो, आई थिंक मुश्किल से 10 होगा शायद, मतलब 1,000 बच्चों में शायद कोई 10 होगा, लेकिन होते जरूर हैं। तो उनको लगता है कि उनका एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना सिर्फ एक मैसेज है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उन्हें 1.5 घंटे पढ़ाने के लिए हम खुद को पिछले 4 घंटे से रेडी कर रहे हैं विद दैट, यू नो, टेंशन फ्री माइंड। ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं है लाइफ में, टेंशन है, उसको साइड में रखकर एक स्माइलिंग फेस के साथ हम आए हैं ताकि उनके अंदर, उनके फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव ऑरा भर सके, उनको एजुकेट कर सके। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक मैसेज को करने से पहले या कमेंट डालने से पहले लाइव क्लासेस में भी वो सोचते नहीं है कि वो सामने वाले के मेंटल स्टेटस पे जाके कैसे हिट करेगा। मैक्सिमम टाइम जैसे कि हमें कहा भी जाता है, लेट्स अवॉइड दैट। हमारी ऑडियंस भी कहती है, जो बच्चे क्लास में होते हैं, मैम अवॉइड कर दो, सर अवॉइड कर दो, बट समटाइम इट इज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं उसको अवॉइड कर दूं। कभी कभी मेरे लिए फिर जवाब देना जरूरी हो जाता है। या ऑफ कोर्स वो मेंटल स्टेटस को हिट करता है। मतलब आप मान लीजिए बहुत अच्छे मूड में आए हैं और किसी का कोई एक टाइप का ऑफेंसिव चीज जो कि एकदम आउट ऑफ ट्रैक होता है, उस किसी ने कमेंट बॉक्स में डाल दिया, वो आपको हिट करेगा ही, वो आपके एक मेंटल स्टेबिलिटी पे असर डालेगा ही। और ये जो इंसान फेस करता है ना, जिसने एक्सपीरियंस किया है, वही जानता है कि वो कैसा फील होता है सुनने वाले के लिए, या फिर एक कमेंट बॉक्स में बैठ के जो कह रहा होता है कि लेट्स लीव इट मैम, लेट्स लीव इट सर, उनके लिए वो बहुत आसान होता है कहना। लेकिन उस जगह पे उस टॉपिक का, मतलब उस चीज का एक टॉपिक बनना, जिसका टॉपिक, मतलब कि कोई जो भी कमेंट डाल रहा है उसका टॉपिक मैं हूँ, सो समटाइम इट इज नॉट एक्सेप्टेबल जो भी कमेंट किया जाता है। इफ इट इज अ पॉजिटिव कमेंट, ऑब्वियसली हम खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करते हैं। इतना टाइम हो गया है, हमको पता होता है कि कौन सा हमें सुधारने के लिए आ रहा है और कौन सा हमारी क्लास की शांति को बिगाड़ने के लिए कमेंट आ रहा है। तो या ऑफकोर्स वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अब उसमें दो तरीके होते हैं, या तो हम रिएक्ट करें एंड समटाइम वी जस्ट हैव टू इग्नोर दैट कमेंट। इग्नोरेंस, वी ऑलवेज ट्राई टू डू दैट कि हाँ लेट्स इग्नोर, क्यों एक के कारण जो है पूरी क्लास की शांति भंग करनी है। बट कभी कभी वो इग्नोरेंस, मतलब कहते हैं ना, एक लिमिट क्रॉस कर जाती है व्हेन यू आर सीइंग दैट कमेंट अगेन एंड अगेन एवरी डे एट दैट टाइम। एक चीज की क्या वो कमेंट का जो फील होता है, जो मूड रेगुलेशंस होता है, ऑल्दो समटाइम्स वी ट्राई टू इग्नोर दैट, या सो बट
क्या वो क्लास के बाद कभी अफेक्ट करता है कि आफ्टर द बहुत क्लास कर, आप बहुत उसका करता मिल है। मैं आपको अपनी फीलिंग बताती हूँ। मैं ना बच्चों को मतलब मेरा एक आई डोंट नो मतलब वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, बट आई डोंट वॉन्ट टू स्कोल्ड। ठीक है, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं सामने वाले के ना कुछ भी कड़वा बोलूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। लेकिन जब सामने वाला मुझे ट्रिगर कर देता है ना, तो मैं फिर उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलूंगी कि जो मतलब मेरी मेरी प्रोफेशन पे दाग लगा दे। ऐसे शब्द मैं नहीं बोल सकती हूँ, मतलब मुझे मुझे मेरा प्रोफेशन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी के लिए वहां पे रोल मॉडल का काम कर रही हूँ। आई कांट जस्ट स्पीक, मतलब उल्टी पुल्टी चीजें मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन फिर भी जो भी उस इंसान ने बोला, भले मैं उसको लहजे में ही जवाब दूं, लेकिन मुझे एक आउट ऑफ ट्रैक जाके जवाब देना पड़ता है, और वो मेरे मेंटल स्टेटस को लगता है। एंड बिलीव मी, उस दिन मैंने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी ही अच्छी क्लासेस क्यों ना दी हो, रात में जब मैं सारी क्लासेस क्लोज करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन बेकार गया। सिर्फ वो एक एक 5 मिनट का, या रादर टू से 1 मिनट का वो कमेंट, जिसपे शायद मैं मुश्किल से 2 मिनट बोली होंगी इन रिएक्शन ऑफ दैट, लेकिन वो मेरा पूरा सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत को मतलब एक तरफ कर देता है। और वो फिर रात तक भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे कभी ऐसा लगता है कि क्या मैंने रिएक्ट करके गलती की, क्या मुझे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, क्या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत से कैलकुलेशन होते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि जिसने वो कमेंट किया होगा, उसके दिमाग में ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं जाता है। तो ये ऑब्वियसली मेंटल स्टेटस पे बहुत इफेक्ट डालता है। मतलब मेरी आई थिंक मैं आपको बता सकती हूँ, आर्ट्स के बेसिस पे बताना हो ना, तो मेरे ऊपर उसका इफेक्ट जो है मोर देन 4 to 5 आवर्स का रहता है। उसके बाद मैं उस जोन से बाहर निकलती हूँ कि ज्योति जस्ट लीव इट, हो गया, अब वो हाथ से निकल गया। बोलते हैं ना, तीर कमान से छूट चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है। तो मुझे खुद को समझाने में वक्त लगता है कि वो कब कल की बात थी, आज नया शुरुआत हुआ है, लेट्स जस्ट लीव इट एंड जस्ट स्टार्ट विद वेरी फ्रेश। तो ये एक मेंटल चैलेंज होता ही होता है, वो आज भी होता है। बट लर्नर्स मैंने भी फील किया है मतलब अकॉर्डिंगली कि जो एजुकेटर्स की रिस्पेक्ट होती है, जो टीचर की रिस्पेक्ट होती है, आई हैड फील्ड कि ऑनलाइन लर्नर्स जो होते हैं, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस चीज को तवज्जो देते ही नहीं। नहीं मतलब सर, जैसे हमें ऑफलाइन हम ऑफलाइन होते थे तो क्लास के बीच में कोई भी बच्चा ऐसे खड़े होकर आपको नहीं बोल सकता है कि यू आर नॉट टीचिंग गुड या समथिंग। ऑल्दो वो बाद में जाके पूरे टीम को बोलेगा कि नहीं इस टीचर से नहीं पढ़ना है, लेकिन वो सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। बट आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में डिसरिस्पेक्ट किया गया हो किसी कमेंट या किसी चीजों से? ऑफ कोर्स सर, मतलब मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बताऊँ ना, तो मुझे जहां तक लगता है कि ठीक है, एक गुरु अपनी इज्जत खुद कमाता है, लेकिन एक स्टूडेंट भी इज्जत जस्ट ऐसे ही नहीं करने लगता है, वो इज्जत देना सीखता है। एक क्लास का जो माहौल होता है ना, उसमें वो सारी चीजें सीखता है। कहने को हम कहते हैं कि हाँ, ये ऐसा गलत बिहेव कर रहा है, पक्का इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं होगा। बट लोग ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा माँ बाप के साथ वक्त बिताया ही कब। वो बचपन में वो स्कूल में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, जब वो बड़ा होता है कॉलेज में आता है तो अपने टीचर से बहुत कुछ सीखता है, वो बहुत कुछ होता है। तो वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तो वो अपने एजुकेशनल फील्ड में आ रहा है, वहीं से वो गेन कर रहा है। तो कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में जब टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, तो उससे आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। दैट इज अ थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक कहते हैं ना, पहले एक माहौल था कि ऑफलाइन क्लास हो, आपके गुरु आपकी क्लास में है, आप उनको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, उनको विश करने के लिए आप अपनी कुर्सी से उठा करते थे। तो ये बोलते ना, कुछ कुछ ऐसे ट्रेडिशन थे रादर टू से, कि वो मतलब हमारे अंदर ना एक मॉरल थॉट भरते थे कि इफ यू आर नॉट लाइकिंग समवन, लेकिन इफ द फ्रंट पर्सन इज अ गुरु, चाहे वो गुरु किसी का भी हो, तो आपको कम से कम उसको एक रेस्पेक्ट नाम की चीज आपको देनी पड़ेगी। उसको एक कहते ना, हर एक रिश्ते का एक थोड़ा सा एक लहजा होता है, आपको वो लहजा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल या कॉलेज लाइफ में मैं सब टीचरों को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे सामने आ गए तो मैं बैठी रहूंगी और मैं उनको विश नहीं करूंगी। ऑफकोर्स मेरा काम है, मैं उठूंगी, विश करूंगी, जरूरत पड़ा तो मैं उनके पाँव भी छूंगी उनके आशीर्वाद के लिए। तो पसंद ना करना ही समथिंग लाइक कि मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा, दैट इज वाई माइट बी आई एम नॉट लाइकिंग हिज और हर टीचिंग, बट दैट डजेंट मीन दैट ही और शी इज अ बैड पर्सन फ्रॉम अ वेरी पर्सनल लाइफ। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, मतलब टीचिंग और पर्सनल लाइफ दोनों एक नहीं होती है। होता है जिसके साथ हमारी वाइब्स मिलती है, हम उनको अपना बेस्ट टीचर कह लेते हैं, जिनके साथ वाइब्स नहीं मिलती है उनको हम कह देते हैं कि ओके फाइन, मतलब हम उनको पसंद भी ऐसा नहीं करता है कि पसंद करते हैं या ना पसंद करते, दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि एक स्टूडेंट सिर्फ
रिस्पेक्ट भी नहीं, आई रादर टू से ऐसे सारे स्टूडेंट लेके नहीं होते हैं. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफकोर्स उनको पता है कि जिससे आप विद्या ले रहे हो, विद्या का दान ले रहे हो, वो आपका गुरु कहलाएगा. लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रहते हैं जो कि इन सब चीजों का बोलते हैं ना पूरा बवाल मचा के रखते हैं. उनके लिए एक टीचर टीचर नहीं हुआ, वो एक टेप रिकॉर्डर की मशीन हो गया कि बटन ऑन कर दो, अब वो लगातार बोलते जा रहा है, जब एंडिंग टाइम होगा तभी वो रुकना चाहिए. तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ऐसा इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, और उन्हीं की वजह से मतलब कि जहां तक मुझे लगता है चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती हैं. आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से. और एक और पॉइंट जिसको मैं उठाना चाहूंगा, हेटर्स कुछ ऐसे क्योंकि और वो हेटर्स समटाइम्स आई हैव सीन दैट कि उनका कोई मकसद नहीं होता, या वो इवन दो लर्नर्स भी नहीं होते, वो बिना किसी बात के आपसे, बिना किसी रीजन के, मतलब somebody said that bad word about you, कि मे बी कोई एक और पर्सन आपको पसंद नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे करे इनडायरेक्टली जो है, जिन्होंने आपसे पढ़ा नहीं, जो आपको जानते नहीं, ना तो पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में, फिर भी आपको हेट करेंगे, आपके बारे में बुरा शब्द बोलेंगे, चाहे वो आपके वीडियोस के थ्रू कमेंट करेंगे जो कि उनसे मांगा नहीं गया है. मतलब मुझे सर इनका ना वो समझ में नहीं आता, मतलब इनका ना मुझे लगता है इनका कोई एम नहीं होता, इनके पास एक्चुअल में कुछ होता नहीं है करने को, तो इनको लगता है सामने वाला इतने शांत दिमाग से कैसे काम कर सकता है. मतलब हम अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे और सामने वाला इतना कुछ कर जा रहा है, कैसे कर जा रहा है. तो मुझे लगता है शायद उनका मकसद यही होता है कि लेट्स स्पॉइल एवरीथिंग. मुझे जहां तक लगता है, मतलब ये जो हेटर वर्ड है, मुझे नहीं पता इनको हेटर कहना चाहिए या फिर इनको गेट वेल सून कहना चाहिए. आई हैव नो आइडिया कि मतलब What they want. मतलब वो ऐसा लगता है कि, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं सर कि जो सीखने नहीं आते सिखाने आते हैं. एंड माई क्वेश्चन इज दैट कि जब इतना ही पता है तुमको तो तुम हमसे क्यों सीखने आए हो. मतलब जब तुम हमसे ज्यादा जानते हो तो वाई यू आर हियर, चाहे वो अब हमारा खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या कहीं और हम क्लासेस ले रहे हो. तो ये एक नेगेटिव साइड है. मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि आप हो गए या मैं हो गई, हमें कोई भी जैसे हमारे स्टूडेंट देखते हैं तो दे आर लाइक वाओ व्हाट अ लाइफ दे आर लीडिंग. Okay, they are having the name recognition, they are getting the fame, they are getting a lots of love, lots of compliment, lots of things. Lekin the reality is like ki hum apne us dark phase ko samne hi nahi aane dete hain. But it's not only about ki jo dikh raha hai wo hamesha pura sach nahi hota hai. आप देखते ही वही हो जो हम जो फेस हम अपना दिखाना चाहते हैं. हम अगर हमेशा स्माइल के साथ आते हैं तो आप हमेशा हमें हंसते हुए ही देखोगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हम आपको अपना डार्क साइड दिखाएं या जो हम लोग फेस कर रहे हैं मेंटली जो चैलेंज हो रहा है. जैसे सर ने भी कहा, बहुत बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक ही कंसेप्ट को रोज पढ़ाना, आप एक ही जोक्स पे कितनी बार हंस सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार. ऐसे ही होता है कि आप एक ही कंसेप्ट पे इंटरेस्ट के साथ रोज रोज कैसे पढ़ा पाते हो, तो वो भी एक चैलेंज में ही चला आता है. लेकिन ये बात जो सुनेंगे उनको पता नहीं चलेगा, जो कर रहे हैं ये उनको पता है कि इट इज वेरी वेरी टफ टू मेंटेन द सेम इंटरेस्ट ऑन सेम टॉपिक इन सेम क्लास विद डिफरेंट बैच. तो ये एक होता है. तो मतलब आई डोंट नो इनको इसको कैसे मतलब एक साथ लेके आया जा सकता है, बट या दीज आर थिंग्स जो कि अभी भी चल रही हैं एंड रियलिटी भी है कहीं ना कहीं. हेटर्स के साथ एक और चीज भी जुड़ती है जिसको बोलते हैं हेल्दी और अनहेल्दी कॉम्पिटिटर्स. कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं पहले के जमाने में, जैसा मतलब नॉट जमाना कि मैं अब ऐसे नहीं बाबा अकबर के जमाने का, बट पहले ऐसा मैंने जब ऑफलाइन में पढ़ाता था तो वहां पे भी कॉम्पिटिटर्स होते थे, बट थोड़ा सा हेल्दी कॉम्पिटिशन होता था. लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दूसरे को नीचे गिराना पसंद नहीं करते थे. यस सर, उसमें से आगे बढ़ना होता था. लेकिन आजकल के खासकर ऑनलाइन में क्या होता है कि लोग सामने वाले को अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में अपने ऊपर बढ़ाने के लिए सामने वाले को गिराने की कोशिश करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो हथियार होता है, क्योंकि वी आर द टीचर्स एंड हमारा मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी हथियार होता है एज ए क्लास में अपने मूड को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना. सो आपने कभी ऐसा फील किया कि कुछ लोगों ने आपको कभी ऐसे हैम्पर करने की कोशिश करी उससे आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुआ? सर कभी कभी नहीं, मैं तो हमेशा ही फील करती हूँ. ये सवाल तो मेरे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे, क्योंकि कहीं भी मान लीजिए आई डोंट नो, मतलब ये कॉम्पिटिटर्स कहाँ से आते हैं आई हैव नो आइडिया, उनका मकसद क्या होता है. मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी आई यूज टू लिसन सो मैनी लाइक ऑफुल थिंग्स अबाउट मी जो मैंने कभी किया नहीं, उस चीज के लिए मुझे ब्लेम करते हुए वो देखे जाते हैं कि वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं, वॉट्स एवर. बट वॉट आई हैव थिंक लाइक कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब वो मेरे साथ
बोलते हैं ना, मेरे साथ मेरे रास्ते में मेरे बराबरी में शायद वो चल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अगर इस रेस में दौड़ना है और मुझे मतलब मुझे सामने वाले से अगर आगे निकलना है तो मैं अपनी रेस को, मैं अपनी स्पीड को तेज करके निकल ही नहीं सकता हूँ. लेट्स डू द सेकेंड वन थिंग जो बहुत सिंपल है, बगल वाले को डायरेक्टली रेस के बाहर गिरा दो. अब जब मैदान में एक ही बंदा दौड़ेगा तो ऑब्वियसली एक ही जीतेगा, लेकिन बोलते ना रेस का मजा तब होता है या किसी भी चीज का मजा तब होता है जब उसमें बहुत से लोग दौड़े, तब वो कहलाती है रेस. अकेले भागने का क्या है मतलब, तुम बैठे भी रहोगे तो भी तुम ही जीतोगे, चलोगे तो भी तुम ही जीतोगे. तो व्हाट आई हैव थॉट लाइक कि वो शायद मुझसे आगे खुद नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वो मेरे को डिफेम करने की कोशिश करते हैं. तो कहते हैं ना कि जिसकी जिसकी बोलते हैं जिसकी तारीफें नहीं रोकी जा सकती हैं उनकी बदनामियां शुरू कर दी जाती हैं, वही वाला हाल है. मतलब कि हम तुमसे आगे बढ़ के नहीं निकल सकते हैं तो बेटर है तुमको ही पीछे करना शुरू कर दे, वो भी गलत तरीके से. तो आई थिंक कि आजकल के टाइम में ज्यादा ही कुछ हो रहा है कि लोग अपने ऊपर नहीं फोकस करते हैं सर, कि हम में क्या कमी है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या वैसा नहीं कर पा रहे हैं. वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो अच्छी चीज है ना उसको गिरा दो, ठीक है, उसको भी और नीचे लेकर चले आओ. दैट विल बी द इजिएस्ट वन, क्योंकि दूसरों को गिराना आसान है, खुद को ऊपर उठाना बहुत मेहनत लगती है सर. एक यूनिक चीज है क्रिएट करने में, आप जिसके लिए जाने जाओ उस पर काम करने में कितना वक्त लगता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. क्वालिटी कंटेंट, एक यूनिक, एक एक्सक्लूसिव कंटेंट देने में कितना वक्त लगता है, बट बहुत कम लगता है उसके जैसा कोई और काम कर दे. तो देख के करना बहुत आसान होता है, सामने वाला जो कर रहा है देख के कर दो, दैट इज फाइन, दैट इज वॉट गोइंग ऑन. तो यही चीज होती है. तो इस चीज पे मतलब वही हो जाता है कि अब आप इसमें क्या कर सकते हो, या तो उनकी तरह काम कर सकते हो जो कि मेरा दिल गवाही नहीं देता है, मतलब मैं किसी और से आगे बढ़ने के लिए मैं खुद को नीचे नहीं गिरा सकती. आई वुड प्रेफर कि मैं भले वहीं अकेले खड़ी रह जाऊं, दैट इज मच बेटर देन सामने वाले को गिरा के आगे बढ़ना. मतलब ऑब्वियसली तुमको खुद से भी नजर मिलानी होती है, जब तुम बोलते ना पूरे दिन का काम खत्म करते हो तो खुद से आईने में जब नजर मिलाओ तो तुम कह सको कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है. एंड ये पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी होती है अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है. तो आई थिंक ये एक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. सिंपल भाषा में और कहूँ तो चमड़ी मोटी कर ली है मैंने. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कुछ भी कहे, मैं बस अपने अपने उस रास्ते को पकड़ चुकी हूँ और मैं भले ही सही छोटे छोटे कदम ही सही बट मैं लेती रहूंगी. मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस ग्रज में कह रहा है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा. क्योंकि जिनसे मैं मिलती हूँ उनसे मेरी दोस्ती होती है, मेरी दुश्मनी नहीं होती है. तो जब मैं जिससे मिली नहीं हूँ, और मिली होती तो दोस्ती होती, दुश्मनी नहीं होती. तो जब जिनसे मैं मिली नहीं हूँ उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है तो वो क्यों अकेले कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है, मुझे किस चीज के लिए नीचे गिराने में लगा हुआ है. तो मैं फिर अब इस चीज पे अब ध्यान ही नहीं देती, मुझे लगता है ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं मैं भी अपना काम करती हूँ. नहीं, बात तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिससे आप मिलती है दोस्ती हो जाती है. दुश्मनी में सर क्या रखा हुआ है, दोस्ती करो, कुछ अच्छी चीजें सीखो, सामने वाले को भी अच्छा सिखाओ. तो दुश्मनी में तो कुछ रखा नहीं हुआ है. Definitely. So, एक और चीज जिस पे हम बात करते हैं, मोटी चमड़ी और उस पे जैसे आपने बोला नोट्स, तो वैसे तो ऑफलाइन का ऐसा है कि आप मार्कर लेके गए, एक्सप्लेन कर दिया, लोगों को लगता है कि आप जो है, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ऑफलाइन टीचिंग इज डिफिकल्ट, ऑनलाइन इज वेरी इजी बिकॉज एवरी कंटेंट इज रिटन ऑन द स्लाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो तीन चीजें जो मुझे लगती है, मैं आपसे वेरीफाई मतलब पूछना चाहता हूँ कि आपको इसके अलावा आप क्या लगता है. तो जैसे पहली चीज तो नोट्स, जिसको लगता है कि लिख के ऐसे ही आ गया सामने वाला बंदा, मुझे इनिशियली एक एक क्लास की स्लाइड बनाने के लिए जब मैं स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करता था तो 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे, क्योंकि 3-4-5 स्टैंडर्ड बुक्स को उसमें से कंटेंट निकालना होता था. और इनिशियली अभी तो मान लीजिए कुछ प्रिपेयर्ड है, मॉडिफाइड करना है तो थोड़े कम टाइम लगते, बट स्टिल अपडेट करना होता है. बट पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट कि कंटेंट प्रिपरेशन में कितनी मेहनत लगती है. उसके अलावा वो कंटेंट जो होता है कहीं ना कहीं लोग शेयर करते हैं अनएथिकल मैनर्स में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मेंटल लेवल को भी डिस्टर्ब करती है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना एफर्ट किया, ना तो लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हाँ बंदे के कंटेंट में दम है, या ना तो लोग उसको फिर लोग उस वैल्यू को जो एफर्ट या जो टाइम आपने पुट किया उसको प्रिपेयर करने में वो लोग इतनी इजिली शेयर कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार इतनी मेहनत का फिर क्या फायदा, हम भी उसी तरीके से जाते जैसे बाकी लोग करते हैं. सर बिल्कुल लगता है, जब भी मैं कोई अनएथिकल तरीके से देखती हूँ कि मतलब यू नो चीजें बांटी जा रही है एकदम से, मतलब
जिसका इस्तेमाल मुझे अब कोई अच्छे काम के लिए करे ना सर, तो वो भी चलो ठीक है, एडजस्टेबल हो जाता है, बिकॉज वी आर अ टीचर, हमारा काम ही है हमारी जनरेशन को एजुकेट करते रहना और आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करना. पर देखती हूँ कि मतलब उनका एम ये नहीं होता है कि सामने वाला एजुकेट, बस उनका एम इसलिए होता है कि बिकॉज आई एम ज्योति कुमारी एंड दैट पर्सन वॉन्ट टू शेयर माई नोट, दैट इज वाई ही शेयरिंग, और उसका कोई मकसद नहीं होता है. तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या फायदा, मतलब मैं इतना एक्सक्लूसिव चीजों को लेकर आ रही हूँ. आपने तो बहुत कम बोला सर कि आपको एक साइट पे 5 से 6 घंटा लगता है, मुझसे पूछे मैंने 1 साल लगा दिए एक यूनिट के नोट्स बनाने में, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन, ठीक है, कितनी. अब उस मेहनत को ना मैं शब्दों में ना बयां नहीं कर पाऊंगी, वो मेरा मतलब वो मैं जानती हूँ, मतलब एक स्लाइड को एक बोलते ना आई कैचिंग तरीके से बनाने में कितनी मेहनत जाती है, वो वही इंसान समझ सकता है जिसने 2 घंटे में स्लाइड बनाई हो और उसको खुद ही अपनी स्लाइड पसंद ना आ रही हो, तो उसको पता चलता है कि उस पे और मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑफ कोर्स स्लाइड पे कोई भी नोट्स बनाना बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान. जब आप शुरू करते हो ना तब भी आपको फील नहीं होता है कि आपको उतना टाइम लगने वाला है, लेकिन जब आप प्रोसीड करते जाते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है. और वो तो मतलब कहते हैं ना कि स्लाइड पे बस आपको दिख रहा होता है कि क्या लिखा है, उसको फिल्टर करने में कितना टाइम लगता है, और वो जरूरी होता है. और जैसे कहते हैं ना जैसे वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी का टाइम ऐसा हो गया है सर कि मतलब हम सिर्फ बोल के कुछ शब्द लिखकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं, हमको बच्चों को कुछ कंटेंट भी देना है. क्योंकि ये बोलते ना कि बच्चे कौन सी चीजें मतलब मेजर तरीके से जहाँ पे सफर होते हैं कॉलेजेस में या स्कूल में, इज लाइक टीचर ने एक बार जो बोल दिया जब तक वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा वो स्टूडेंट कॉपी में लिख नहीं सकता है, और अगर वो मिस कर गया मतलब वो मिस कर गया. अब उसको अब किसी को नहीं पता कि टीचर ने इस पॉइंट पे ये कौन सी लाइन बोली थी, कौन सी चीजें बोली थी. तो हम और आप जैसे एजुकेटर क्या करते हैं, उसी को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि तुमको जब हम पढ़ा रहे हो तो तुम सिर्फ अपने कान और ब्रेन का इस्तेमाल करो, लिखने का काम तुम्हें ना करना पड़े, वो काम भी हम अपने एंड से करते हैं. तो ऑफकोर्स इट इज अ वेरी मच टाइम एज वेल एज एनर्जी कंज्यूमिंग फैक्ट हो जाता है, लेकिन बिल्कुल जब इसका अनएथिकल बेसिस पे इस्तेमाल होता है तो लगता है कि यार कोई फायदा नहीं है, मतलब इससे तो बेटर है कि नॉर्मल जैसे होता है ना एक किताब खोल लो और आराम से मेन मेन पॉइंट जो है पढ़ाते रहो, वहां पे लिखते रहो, बच्चा भी नोट करते रहेगा. बोल दो बस बुक का नाम बोल दो कि हम इस बुक से पढ़ लेना या एक्स वाई जेड बुक से पढ़ लेना, काम खत्म. इनफैक्ट वो आई थिंक वो काम ज्यादा आसान भी होगा हमारे लिए भी, मतलब फिर हमें 4-5 घंटे अपनी लाइफ की एक स्लाइड पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा जो हम जनरली स्पेंड करते हैं. तो जो भी स्टूडेंट होता है उसको भी ये चीज सोचना चाहिए कि अनएथिकल तरीके से नॉट ओनली आपका और मेरा ही, किसी भी टीचर का कोई भी कंटेंट जिसपे वो मेहनत कर रहा है, चाहे आप किसी के बुक को शेयर कर रहे हो या किसी के कंटेंट शेयर कर रहे हो या किसी की स्लाइड शेयर कर रहे हो, जिस भी इंसान की मेहनत है उसने उस पर पूरी अपनी मेहनत लगाई है, जरा उसके बारे में सोचिए. जितनी आसानी से आप उसको अनएथिकल बेसिस पे सर्कुलेट कर देते हैं, उसने पता नहीं कितने महीने से अपनी पूरी नींद नहीं ली होगी उस कंटेंट को बनाने के लिए, उस बुक को पब्लिश करने के लिए, उस स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए. लेकिन मतलब उस कंडीशन को कोई तब तक फेस नहीं कर सकता जब तक वो उस कंडीशन में आके ना बैठे, जो कि एक जरूरी हो जाता है. तो आई डोंट नो कब कब इंसान सामने वाला इंसान ये चीज समझेगा, आई थिंक जब हमारी जगह पे आएगा शायद तब समझे. एग्जैक्टली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके एफर्ट आपके मेंटल लेवल पे काम करती है, और इसलिए मैं इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन एक और चीज हमारे साथ आती है, दैट इज ऐसा नहीं लगता आपको कि यार क्या रोबोट जैसी हालत हो गई, सिर्फ एक कैमरे को देख के पूरी एक्सप्रेशन को इमेजिन करना होता है कि बच्चे को समझ में आ रही कि नहीं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट. इनिशियली मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि मतलब मैं ऑल्दो आई एम वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली, मतलब एट अ टाइम आपको समझाना भी पड़ता है और बच्चों का इंटरेस्ट भी बना के रखना पड़ता है, मतलब बच्चा इंटरेस्ट ना खो दे, ठीक है. उसमें आपको चाहे अच्छे हो चाहे सड़े हुए हो आपको जोक्स मारने पड़ते हैं, कुछ सार्कैज़म लेकर आने पड़ते हैं, और कुछ ना कुछ करके उनको बीच में हंसाते भी रहना है, उनको ये ना लगे कि बस एक लेक्चर शुरू हो गया है बस अब कहीं नहीं रुकने वाला है. तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना है कि बच्चा इंटरेस्ट भी ना खोए, हमारी बातों के साथ वो कोरिलेट भी करे, और साथ ही साथ मतलब उसको ऐसा ना लगे कि बस पहले जो होता था कि बस एक लेक्चर चल रहा है हो गया काम खत्म, वो उसको समझ पाए, उसको बोलते ना अपनी लाइफ में उतार पाए. क्योंकि जिस सब्जेक्ट से हम पढ़ाते हैं दैट इज लाइफ साइंस, उसमें आपका इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हम हर चीज को आपके सामने ला के नहीं रह सकते कि देखो ये रहा डीएनए ऐसे दिखता है, हम आपको इमेजिन करवा सकते हैं कुछ पिक्चर्स के मीडियम से. कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो शायद पिक्चर के थ्रू समझाना भी पॉसिबल नहीं होता है, उसमें फिर आपकी इमेजिनेशन बेसिस पे थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ता है. तो देर आर सो मेनी थिंग्स. तो
सिर्फ कहने को हम टीचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम आई थिंक हम एक काउंसलर की तरह भी काम कर रहे होते हैं उसी सेम क्लास में उसी वक्त पे, एक टीचर की तरह, एक कॉमेडियन की तरह, एक सार्कास्टिक पर्सन की तरह, मतलब मल्टीपल रोल एक ही कैरेक्टर में जो है एंटर रहता है, ताकि बच्चा हंसे भी, सीखे भी, और क्लास के बाद बोले कि यस मजा आ गया आज का क्लास करके। और जब बच्चे वो बोलते हैं तो ही मतलब आई थिंक आप भी सुकून से सो पाते होंगे और मैं भी सुकून से सो पाती हूँ कि हाँ आज की क्लास या आज का दिन जो है सक्सेसफुल हो गया। बिकॉज सोशल मीडिया अलग से व्हाट्सएप पे पिन पिन चलता रहता है, अगर चलता रहता है तो इंटरेस्ट को गैदर करना वो भी स्क्रीन पे, वर्चुअल स्क्रीन पे, तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और उसमें जैसा आपने बोला मल्टीपल पर्सनालिटीज आपको साथ रखनी पड़ती, जैसे आप वहीं पे कॉमेडियन की तरह भी बिहेव करते हो, और मैं तो मेरे अंदर से कॉमेडी कुछ ज्यादा ही निकल जाती कभी तो होता है कभी। एंड जस्ट लाइक कि समटाइम्स ऐसे कंडीशंस भी आते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, हम एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हैं, लर्नर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, चीजें चल रही होती है, बट कभी कभी हम अपने पर्सनल लाइफ से काफी डिस्टर्ब होते हैं, काफी कुछ ऐसा होता है कि नहीं आज क्लास लेना नहीं है, नहीं हो पाएगा, मतलब मेंटल लेवल अलाउ करता ही नहीं है। सो उस कंडीशंस में भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स हम क्लास को हटा नहीं सकते, या कितनी क्लासेस हटाएगा इस साल, कितनी हटाएंगे हटाएगा, तो एक बार हटा सकता है, एक दिन हटा सकता है, अगर वो डेली का रूटीन बनता है, तो उन सिचुएशंस में काफी लेवल हाई हो जाता है, या पैनिक लेवल हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं समटाइम्स। तो मेरे को लगता है कि पेशेंस लेवल शुड बी हाई, या हमारा जो है टॉलरेंस बहुत हो। तो ऐसे कंडीशंस आपने झेला है या कब झेलते हो, कितने कंडीशंस? मेरे पास तो एडवांस में, मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ 15 से 20 टैंकर रखे हैं मैंने एडवांस में पेशेंस लेवल के। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि ऐसे ऐसे सवाल के भी जवाब देने पड़ते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है अगर स्टूडेंट सामने होता तो मेरी मारपीट हो जाती उससे लिटरली मुझे कभी कभी सीरियसली ऐसा लगता है। मैं तो बच्चे को बोल भी देती हूँ कि अगर ये सवाल तुमने मुझसे ऑफलाइन क्लास में पूछा होता ना, आज तो तुम, या तो तुम आज क्लास में तुम रहते या तो मैं रहती। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, उसके बाद आपको लगता है कि अब इस बात को कैसे लिया जाए, अब इस बात को मजाक में लिया जाए ताकि पूरी क्लास लाइट रहे, कुछ ऐसी चीजें आ ही जाती हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक टीचिंग, मतलब जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मेरे टीचिंग स्टाइल से भी ज्यादा ऊपर लेवल पे मेरा पेशेंस लेवल है अभी फिलहाल में। क्योंकि आपका टेम्पर, आपका पेशेंस लेवल अगर गया ना तो वो पूरे क्लास की शांति भंग कर देगा। और इतने प्रकार के स्टूडेंट मिलेंगे ना सर, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं टीचिंग छोड़ के ना स्टूडेंट बिहेवियर पे स्टडी करना शुरू कर दूं, इतने प्रकार के स्टूडेंट, उसके बाद इतने प्रकार के सवाल, किसी किसी सवाल, और सर कुछ कुछ सवाल तो इतने बेसलेस होते हैं कि लगता है इसको मजाक में लूं या इसको सीरियस लेना है, समझ नहीं आता है। तो उसी से मुझे पता चलता है कि इतने टाइप की सोच भी, मतलब उस वहां से भी हमको सीख ही रहे होते हैं, लेकिन ये चीज समझ आता है कि इतने टाइप की सोच रखने वाले लोग होते हैं। अब उस टाइम पे कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपको बोलते हैं ना, वो आते ही शायद इसलिए हैं ताकि वो आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट कर सके। एंड ऑफ कोर्स हमें पास होना पड़ता है, हम कभी कभार हम फेल हो जाते हैं, कभी कभार रिएक्ट कर देते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम वी हैव टू गेट पास इन दैट पेशेंस लेवल एग्जाम। तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में स्टूडेंट के आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैलिड क्वेश्चंस, जो डाउट होते हैं, जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो हमारा काम है डाउट सॉल्व करना, वैलिड क्वेश्चन को लेना। मैं बात करूँ एक ऐसा आउट ऑफ द ट्रैक जो क्वेश्चन जाता है, जिसका उस एरिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, हाँ कुछ लेना देना नहीं होता है, ऐसे सवाल को जो है थोड़ा सा, मतलब उसमें फिर पेशेंस लेवल की टेस्टिंग हो जाती है। एक इसी चीज से रिलेटेड, जैसे आपने बोला कि मारपीट हो जाती, तो बचपन में हम ऐसे स्कूल में करते थे, हमारी बहुत मारपीट, मतलब हमें मारपीट का मतलब मारा गया है, और हम बुरा भी नहीं मानते थे कभी टीचर्स का। लेकिन ऑनलाइन लर्नर्स या ऑनलाइन सिस्टम में जो लर्नर्स का ईगो होता है काफी जल्दी हर्ट होता है, ऐसे ऑफलाइन नहीं होता था। हमें लगता था टीचर हमको कूट भी देता है तो भी कोई ईगो हर्ट नहीं, हम अगली क्लास में जाते थे वैसे ही रहते थे। लेकिन आजकल के लर्नर्स को आप थोड़ी सी भी कोई चीज अगर बोल देते हैं जो उनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो दे विल रिवर्ट बैक। उससे कभी आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हुआ है, कभी ऐसे कंडीशंस देखे आपने? सर बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कि मान लीजिए कि
कुछ बहुत छोटा सा वर्ड किसी बच्चे ने पूछा, मैम इसका मतलब क्या होता है, तो मैं वहां पे दो काम कर सकती हूँ, या तो उसको उसी वक्त जवाब दे दूं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और मैं उसको ये सिखा दूं कि बेटा तुम पैरालाइज हो, तुम अपने से एक वर्ड का मीनिंग भी नहीं समझ सकते हो, और जब मैं उसको जवाब दूंगी सर तो उसे क्या सीखने को मिलेगा कि अगली बार किसी वर्ड पे मैं अटका तो मैं दोबारा से मैम के पास ही आऊंगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं दूसरा काम कर सकती हूँ कि मैं उस टाइम उसको रास्ता दिखाऊं कि इस शब्द को कल गूगल पे सर्च करके आना, मुझे भी मीनिंग बताना और बताना कि इसका मीनिंग तुमको क्या मिला। अगर तुम गलत हुए तो आई विल करेक्ट यू, लेकिन तुम सही हुए तो उस दिन तुमने दो चीज सीखा, उस वर्ड का मीनिंग और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो तुम खुद भी सॉल्व कर सकते थे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहती रहती हूँ कि डिपेंडेंसी उतनी ही रखिए जितने की जरूरत है। डिपेंडेंसी जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है सर तो वो आपको मेंटली पैरालाइज कर देती है। एक एरिया यही होता है कि मैंने उसको बोल दिया कि गूगल से आप सर्च कर लीजिए, तो उसका कुछ कुछ बच्चे होते हैं मतलब बोलते हैं ना रिवर्ट बैक करने वाले, तो आप यहाँ क्यों बैठी हो, आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना चाहिए ना, तो दे आर इनटू दैट। ठीक है, वो मेरे सजेशन का काउंटर आंसर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि गूगल पे सर्च कर लो, उनको वो बात ईगो पे लग गई, उनको लगा कि शायद हम क्वेश्चन को टाल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन उनको हमारा उनको ये चीज समझ में नहीं आता कि हम उस वक्त पे उनको दो दो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में उनके पास बहुत से ऑप्शन है सीखने के, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो मेंटली पैरालाइज होकर सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड करे, क्योंकि कल को उनको अकेले चलना है, हम उनका सिर्फ साथ दे सकते हैं वो भी एक स्टेशन तक। आपको नहीं लगता कि क्योंकि मैंने ये चीज फील की हुई है कि नॉर्मली हम ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, देयर इज टू मेनी यूट्यूब चैनल्स, टू मेनी एजुकेटर्स जो कि हम स्पून फीडिंग करवा रहे हैं बच्चों से, ये कॉमन सेंस, हम जब पढ़ते थे तो हमारा कॉमन सेंस इतना नीचे नहीं था, आजकल के बच्चों का कॉमन सेंस इतना होता है कि दे आर लाइक कि व्हाट इज CSIR भी वो आके एजुकेटर से पूछते हैं, इवन दो दे गूगल एंड दे कैन गेट द इन्फॉर्मेशन वेरी इजली, बट स्टिल उस चीज के लिए वो ग्रुप्स में ट्रेवल करेंगे, वो जो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, सो दैट्स लाइक कि कहीं ना कहीं हम इतना स्पून फीडिंग कर देते हैं या कुछ ऐसे एजुकेटर्स जिसकी वजह से जो है ऐसे कॉमन सेंस या ऐसे जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है बच्चों की जो मेंटल पैरालिसिस। मेरा ये मानना है कि टू वे चीजें हमेशा मिलती हैं आपको। आप ये भी मानोगे कि हम जब हमारे टाइम में थे उस टाइम भी डिस्ट्रैक्शन फैक्टर कम नहीं थे, उस टाइम भी ऐसे कंडीशन कम नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको किस चीज को अहमियत देनी है, कौन सी चीज उसके लिए सही है, कौन सी चीज उसके लिए गलत है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, अपने एक बोलते ना हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये सिचुएशन ना आपके हमारे टाइम में किसी और फॉर्म में थी, ये नहीं कहूंगी बिल्कुल एब्सेंट थी, हमारे टाइम में ये किसी और फॉर्म में थी। अभी आजकल का डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हो गए हैं, एजुकेशन ज्यादा फोकस की जा रही है, तो इस टाइम पे भी वही चैलेंजेस है लेकिन किसी और फॉर्म में है। अब इसमें ये बच्चे के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, क्या वो सामने वाले के थ्रू तुरंत मैनिपुलेट हो जाना चाहता है और उसी चीज को मान लेना चाहता है, या फिर वो अपना दिमाग भी चलाता है। एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर हम इंसान वाली बोलते हैं ना श्रेणी में अगर आए हैं तो हमें हमारा दिमाग चलाना चाहिए, ये नहीं कि स्पून फीडिंग करवाई जा रही है तो तुम क्यों स्पून फीडिंग कर रहे हो, फ्यूचर लाइफ में तो तुमको स्पून फीडिंग से तो कुछ काम नहीं होना है। तो कहते ना स्टूडेंट खुद भी नहीं सोचना चाहता है, आपको लेजी बनाने के लिए शुरू से लेकर चाहे वो हमारे मॉम डैड का टाइम हो, हमारा टाइम हो या आने वाला टाइम हो, आपको लेजी बनाने के लिए इससे भी ज्यादा चीजें अवेलेबल रहेंगी विद टाइम और बढ़ती जाएंगी। आपका वाइज सिलेक्शन होता है कि आप लेजी बनना पसंद करते हो, कॉमन सेंस को अवॉइड करना चाहते हो, या उस टाइम भी एक हाइपर एक्टिव जोन में एंटर करके अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने लिए कुछ गेन करना चाहते हो। तो सेकेंड सर, सेकेंड जो हमारे फ्रंट एरिया होता है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, द ओनली थिंग विच वी कैन कंट्रोल इज आर बिहेवियर, जो जिस चीज के लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मैं फ्रंट वाली चीजों को तो मैं ब्लेम ही नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कल भी थी, वो आज भी है, वो कल भी रहेगी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल हम अपना एक्ट कर सकते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट को उतना वाइज सिलेक्शन करना चाहिए कि तुम बोलते ना पैरालाइज मेंटली ना हो, स्पून फीडिंग पे ना ध्यान दो, अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि कल को तुमको ऐसे फील्ड में एंटर करना है जहाँ पे तुमको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, वहां पे स्पून फीडिंग किसी भी तरीके से काम नहीं आएगी। समटाइम्स पीपल विल फील लाइक टीचर्स आर रोबोट या समथिंग, ऐसा लगता है मोबाइल में देख रहे हैं तो लगता है कि ये भी एक रोबोट की तरह, एक मोबाइल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है,
क्योंकि वो इमोशंस, इमोशनल टच, जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि इमोशनल टचअप होता है एजुकेटर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बट ऑनलाइन क्लासेस में लर्नर्स का वो इमोशनल टचअप नहीं होता कि हाँ ये टीचर एक एक्चुअल पर्सन है जो हमें उधर से पढ़ा रहा है। तो ऐसा भी जो होता है वो डिस्टर्ब, या कई बार होता है कि हमें लगता है कि यार थोड़ा तो इंटरेक्शन या थोड़ा तो वो कनेक्शन होना चाहिए, ऐसे लगता है कि हाँ एकदम रोबोट की तरह गए पढ़ाए और निकल गए। हाँ सर, मतलब होता है ये भी चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए प्लेट मतलब कहीं भी आप पढ़ा रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो या फिर खुद के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो, कहीं और पढ़ा रहे हो, हर जगह पे दो टाइप के आपको स्टूडेंट मिलेंगे। एक वो जो शुरुआत से ही आपसे कनेक्टेड रहना चाहेंगे, और जो कनेक्ट रहने वाला बच्चा होगा ना, वो सर कुछ भी करके आपसे कनेक्टेड रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर वही क्लास शायद हम ऑफलाइन ले रहे होते तो शायद वो कनेक्टिविटी और बन पाती। हम जहाँ पे 10 बच्चे हमसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, एक क्लास अगर होता है, क्लास का माहौल होता है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता, तो वही 10 के बजाय शायद 50 होते बच्चे। तो ये तो मैं मानूंगी कि एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है, एक एक गुरु और एक मतलब कि एक स्टूडेंट में जो होता था, वो ऑनलाइन के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया है। बट आई विल नॉट लाइक डायरेक्टली से कि बच्चे रिस्पेक्ट या फिर बच्चे जो है मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं। आपके पास भी बहुत से किसी ना किसी मीडियम से स्टूडेंट के मैसेजेस या मेल्स आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं। मतलब कुछ कुछ होते हैं जो बनाना ही चाहते हैं कनेक्टिविटी हर हाल में, वो बना लेते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम साइलेंट लर्नर होते हैं, जो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, क्लास में कभी चू भी नहीं करते हैं, वो चुपचाप से पढ़ रहे होते हैं। तो शायद ऐसे स्टूडेंट से ना हमारा ऐसा भी नहीं होता कि हम इंटरेक्ट ना मतलब नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, तो उनसे क्या होता है ना कभी कनेक्शन बना है ना बन पाता है। वो आते हैं, लर्न करते हैं, चले जाते हैं, कुछ कनेक्शन का पता नहीं होता। लेकिन शायद अगर यही अगर ऑफलाइन क्लास होती तो शायद हम चेहरे से ही सही, नाम से ही सही, लेकिन पहचान दे पाते या फिर पहचान पाते उनको कि हाँ तुम ऐसे हो, चाहे भले उनसे बातें कम होती हो। तो वो ये तो एक इंटरेक्शन मुझे लगता है कि एक वर्चुअल तरीके से ये जो स्टूडेंट एंड एजुकेटर का जो रिलेशन होता है वो फ्रूटफुल होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन थोड़ा सा मुझे कम फील होता है। एक इमोशनल कनेक्टिविटी या फिर एक टच जो होता है वो थोड़ा सा मतलब कम होता है ऑब्वियसली। मतलब एक पर्सनली जिस इंसान से आप मिलते हो उसके साथ एक अलग रिलेशन होता है, और एक मतलब एक कंप्यूटर है उसको 7 बजे ऑन करो तो वहां पे एक बंदा या बंदी चले आता है, टाइम होते ही वो बोलना शुरू करता है, टाइम बंद खत्म होते ही वो बंद हो जाता है बोलना। तो एक ऐसे इंसान से कनेक्ट रहना तो वो एक होता है, कुछ बच्चे कनेक्टिविटी बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी आदत हो जाती है, जैसे मैं शुरू करता हूँ, हे गाइस कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी लोगों के इस सेशन में, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो क्या प्रोफेशनल में इतना करते करते या इतनी बार क्लासेस या लेते, क्योंकि ऑनलाइन में हम अपने उसी रूम में और क्लास ले रहे होते हैं जिस रूम में हमें कभी कभी सोना पड़ता है, बिकॉज हर किसी के पास स्टूडियो तो होता नहीं, इतना अमीर तो हर घर टीचर है नहीं, बट हमारा बेडरूम ही हमारा वर्किंग रूम की तरह भी समटाइम्स काम करता है। तो ऐसे जब तक कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा एक्शन निकल के आ गया हो या कुछ ऐसा लगा हो कि यार यार ये तो पर्सनल लाइफ है लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल जा रहा है, हाँ सर, मिक्सअप नहीं कभी होता। कभी 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 ऐसा होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज मतलब एक और गेन कर लिया मैंने बोलना। मतलब मैं पहले बहुत कम बोलती थी, अब मैं जब से मैंने टीचिंग लाइन में एंट्री की है मैं बोलती ही रहती हूँ। मतलब मुझसे बुलवा लो बस, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि ज्यादा बोलते 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 कभी कभी ऐसी चीजें आने लगती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं छुट्टी पे हूँ लेकिन मैं अपनी टीचिंग वाली जोन में एंटर कर चुकी हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि नो ज्योति, यू शुड स्टॉप हियर, यू आर ऑन लीव, दिस इज संडे, दिस इज नॉट मंडे, सो यू हैव टू स्टॉप हियर। तो वो बहुत ये बहुत कॉमन बिहेवियर है। मतलब मैंने वही बिल्कुल बोला कि इस चीज कॉमन हो गई है, और जैसे ही मतलब सामने वाले सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि आदत से लाचार। मैंने बोला सॉरी आई कांट डू दिस, मतलब मेरा इस पे कभी कभी ना कंट्रोल नहीं रहता है, मैं ना फ्लो फ्लो में जो है भावनाओं में बह जाती हूँ, अब मेरा वो प्रोफेशन बीच में आ जाता है। बट दैट इज हाउ लाइक आर लाइफ वर्क्स। क्योंकि कभी कभी तो सर आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं 2 दिन की भी छुट्टी पे होती हूँ ना, मैं मेरा मतलब मेरा जो पर्सनल रूम है मैं वहीं से क्लासेस लेती हूँ। मतलब मैंने उसी को एक स्टूडियो जैसा टचअप दे के रखा है। मतलब घर का एक कोना स्टूडियो, दूसरा कोना घर का मतलब मेरा खुद का पर्सनल रूम। कभी कभी तो उस जोन से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि मुझे सैटरडे संडे जो है गेस्ट रूम में जाके मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। मतलब सोना पीना खाना सब कुछ उस रूम में तभी एंटर करती हूँ जब मुझे कुछ काम होना है, अदरवाइज मैं वो फील ही नहीं कर पाती हूँ कि आज मैं छुट्टी पे हूँ। वो लैपटॉप, वही डेस्क, वही पेन टैब,
वही नोट्स खुले हुए, उसको देख के मतलब ये फील करना ही मुश्किल हो जाता है कि यस आज हो गया, आज संडे है, आज कोई क्लास नहीं है, आज आज कोई टीचर गिरी वाली काम नहीं करना है. बट कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, उस जोन से निकलना जरूरी है. दिस इज नॉट द होल लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइक, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो ये वाली चीज मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है. बट ये मतलब थोड़ा मुश्किल है, ये टीचर गिरी वाली जोन से निकलना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो इन सब चीजें जो मैंने अभी लिस्ट आउट करी है, जिस पे हमने बात करी, इन सब के अलावा भी आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है? सर बस मैं वही कहूंगी कि देखिए, टीचिंग कभी भी उतनी आसान नहीं थी और नहीं है, ठीक है, चाहे कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा हो या ऑनलाइन पढ़ा रहा हो. बट मैंने अपनी टीचिंग करियर में जो सीखा है, मतलब ये 3 साल से मैं जहाँ भी अलग अलग मीडियम से जुड़ी हुई हूँ, ये 3 साल में मैंने यही सीखा है कि आपको बस बढ़ते रहना है. मतलब यू जस्ट कांट स्टॉप एट अ सिंगल पॉइंट. अब चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, आप कहीं रुक नहीं सकते हो. और लोगों को अच्छा लगेगा ना, वो तो भी दो बात कहेंगे, उनको बुरा लगेगा तो भी वो दो बात कहेंगे. मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते. तो कहते हैं ना कि या तो आप एक टाइम पे दूसरों को खुश कर सकते हो या खुद खुश रह सकते हो. तो बेटर है आप अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबको खुश करना तो पॉसिबल है नहीं. द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इज आप सबकी बातों का कैसे रिएक्ट करते हो. आपका रिएक्शन बहुत सी चीजों को डिटरमाइन करता है. आज के टाइम में सर ऐसा नहीं है कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं. मतलब प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं या टीचिंग पाठशाला की जो पूरी फैमिली, ऐसा नहीं है कि सभी मुझे पसंद करते हैं. बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि आते ही शायद मेरा मूड खराब करने के लिए है. लेकिन वहां पे एक चीज मैटर करती है, हाउ आई रिएक्ट, मेरा एटीट्यूड क्या है उनकी तरफ. या तो मेरा संडे एक खराब कमेंट से मैं पूरा बर्बाद कर सकती हूँ, या तो मैं उस क्या मैं कमेंट को जो है लीव कर दूं, या फिर मैं एक उस गलत कमेंट पे भी मैं उसको थैंक यू बोल के, उसको तो पता नहीं कुछ सिखा पाया या नहीं, बट मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है आज मैंने एक गलत चीज का पॉजिटिव जवाब दिया. तो यही मैंने सीखी है कि आप मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप रुक नहीं सकते हो. चाहे आप दुखी हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी और फील्ड के हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप रुक नहीं सकते हो. और ना ही दूसरों को ये बोल के मतलब रुकने के लिए कह सकते हो कि नहीं आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मेरा मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है. आपको चलते रहना है रोज, कुछ भी चीजें आपके लिए नहीं रुकेगी, ना वक्त रुकेगा ना बाकी सब चीजें रुकेंगी. बस आपको चलते रहना है, बस आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसी उसी कैरेक्टर में रहकर आपको साइड बाई साइड अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है और आपको अपनी लाइफ को गो ऑन भी करते रहना. यू कांट जस्ट स्टॉप. तो ये चीजें हैं जो आज भी मैं डील करती हूँ. बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसके बावजूद भी यू हैव टू वर्क, चाहे वो टीचिंग पाठशाला हो या अन अकेडमी हो, आपको काम करना है. आप रुक नहीं सकते हो, रुकोगे तो सारी चीजें रुक जाएंगी. तो फिर वो हो जाता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. आपकी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में प्रोफेशनल लाइफ को भी आपको लेके चलना पड़ेगा. उसको आप जस्ट बस यूं ही नहीं कह सकते हो कि आज मूड खराब नहीं है, आज प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री नहीं ली जाएगी. यू कांट. The show must go on, and what I felt that a teacher is always teacher. अगर मैं professors, university professors को थोड़ा सा side कर दूँ, या तो a teacher is always teacher, और हर एक field में, हर एक profession में there is a chances of improvement. आपकी degree, आपका जो promotions होते हैं, आप better positions पे जाते हैं, और आपका जो promotions होता है, आपका जो growth होता है, वो आपको दिखती है कि हाँ ये जो है पहले था जूनियर इंजीनियर था, सीनियर इंजीनियर है, ये मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है. बट एज अ टीचर आपका ग्रोथ सिर्फ आपके ब्रेन में होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता. टीचर के आज भी हम 3 साल पहले भी आप एक एजुकेटर थे, आज भी आप एक एजुकेटर हो, और इस फील्ड में आप रहते हो तो होल लाइफ आप एक एजुकेटर रहोगे. बट द ग्रोथ जो होता है, एक तो हमारे ब्रेन में होती है और दूसरी हमारे लर्नर्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हो रही होती है, जहां पे भी लोग जा रहे हैं. सो डेफिनेटली हर एक फील्ड में कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं और कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं. आज हमने ये बात करी कि ऑनलाइन एजुकेटर्स या ऑनलाइन एजुकेटर्स ऑनलाइन टीचिंग में मेंटल हेल्थ पे क्या क्या चीजें जो है इम्पैक्ट डालती है. इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे फिर कभी आपके साथ. एंड थैंक यू सो मच मैम इतना प्रीसियस टाइम देने के लिए. आप कुछ कहना चाहें अगर व्यूअर्स के साथ? सर मैं थैंक यू कहना चाहूंगी इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए. ऑब्वियसली जैसे कि कहा था मैंने कि स्टूडेंट को सिर्फ हमारा पॉजिटिव साइड पड़ता होता है कि यस इफ दे आर द एजुकेटर दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग इन अ ऑसम वे एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. बट क्योंकि
हर एक फील्ड का दो पहलू होता है, तो हमने दूसरे पहलू को सामने रखने की कोशिश की जो कि हम नहीं रखते हैं, मतलब कोई नहीं जानता है, हम कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि ठीक है जो दिख रहा है वही दिखने दो, उसी से मतलब है, लोगों को जो अच्छा लग रहा है बस वही चलने दो। तो लेकिन हमने आज एक रियलिटी रखने की कोशिश की, और भी ऐसे बहुत सी चीजें जो कि विद टाइम माइट भी हम कंटिन्यू करें, बोलते ना कि हम भी अपग्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे, हमने ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से सोच रखा है या समथिंग लाइक दैट। इस 3 साल में जो हमने सीखा, जो हमने फेस किया, इनफैक्ट सर ने भी बहुत कुछ चीजें शेयर की हमारे साथ, तो इन 3 साल में हमने जितना कुछ सीखा है हमने उसी को सामने रखने की कोशिश की है कि वो कैसे इम्पैक्ट डालती है, हमने अपना प्रोस्पेक्टिव रखने की कोशिश की है। माइट भी कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा हम अलग अलग इंसान हैं, एक टाइम में जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा सर फील नहीं कर सकते, या सर जैसा फील करें वैसा मैं फील नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान का एक लोड लेने का तरीका अलग होता है, चीज को डील करने का एटीट्यूड अलग होता है। लेकिन यस, आपने आज दो अलग अलग इंसान के दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव देखे, किसी किसी टॉपिक पे हमारी सोच मैच हुई, किसी किसी टॉपिक पे सर ने कुछ एडिशनली बताया जो वो फील करते हैं, जो वो फेस करते हैं, अकॉर्डिंगली मैंने भी उसी तरीके से चीजें की। तो लेकिन आप बस ये मैं कह सकती हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अगर आपका फील्ड भी आगे चलकर यही है तो आप बहुत कुछ समझ पाओगे कि ऑनलाइन इज नॉट ओनली अबाउट गुड थिंग, टीचिंग, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छा कुछ, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा हो जरूरी नहीं है। एक मेंटल प्रेशर ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, एंड इट्स लाइक बहुत है मेंटल प्रेशर, बहुत ज्यादा, मतलब शायद माइट बी सर हम लोग उसको वर्ड में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे ना, इतना माइट बी वर्ड्स, मतलब वो प्रॉपर वर्ड ही हमें नहीं मिलेंगे जो कि हमारे लेवल को बता सके कि वो मेंटल स्टेटस हमारा कैसा चल रहा है, लेवल कैसा चल रहा है। जैसे सर ने कहा द शो मस्ट गो ऑन, तो वही है, शो चलता रहेगा, हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि ये मेंटली स्टेटस ऐसा है या वैसा है, तो बट फिर भी हमने कोशिश की कि जितने फीलिंग्स को हम शब्दों में लपेट पाए उतनी हमने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स अ सेकंड साइड ऑफ द एजुकेटर जो कि माइट बी आप अनसीन करके रखते हैं, बट आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल सीखने को मिला होगा, और जैसा कि मैम ने बोला कि ये हमारे व्यूज थे कि क्या डार्क साइड है ऑनलाइन टीचिंग के, और इस बात से कई लोग इत्तेफाक भी रख सकते हैं, मे बी उनका एक्सपीरियंस बेहतर रहा हो या और भी खराब हो सकता है। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और आपको लगता है कि हमने रियलिटी रखी बातों से तो वो भी बताइए, और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं और मैम आके बात करें, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, क्योंकि वो तो हम करते ही रहते हैं, कोई भी एक जनरल टॉपिक जो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी मोस्ट लगेगा हमें कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, मे बी इन फ्यूचर हम जल्दी आपके साथ उस टॉपिक के साथ पे जुड़ सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग को रिलेटेबल लगा उसके बारे में भी जरूर कमेंट में बताइए, कौन कौन से मोमेंट से आप रिलेट कर पाए कि यस आपके साथ भी होता है या हुआ है, तो वी वुड लव टू रीड दैट, आप वो भी हमें जरूर बता सकते हैं, एंड थैंक यू सर ऑफ कोर्स सेशन को कंडक्ट करने के लिए, एंड मुझे अच्छा लगा अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करके, बिकॉज रेयरली आई शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद एनीवन, बट आज अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है मुझे, मतलब जो कहते ना जो चीज दिमाग में थी उसको मैंने आज सामने वर्ड्स में फिरोने की कोशिश की, कितना कर पाई आई डोंट नो, बट यस इतना आई थिंक मैं कर पाई होंगी कि किसी को समझ में आ सके कि वट इज अ पॉजिटिव साइड, वट इज अ नेगेटिव साइड। आई थिंक नेगेटिव साइड बाई डिफॉल्ट चली आती है, आप तो पॉजिटिव साइड को ही देखकर एंटर करते हो किसी भी फील्ड में, बट नेगेटिव साइड को अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके साथ बाई डिफॉल्ट आएगी, बट दैट इज द होल थिंग। सो थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए इस एपिसोड के लिए। जुड़ते रहेंगे आगे भी टॉपिक्स के साथ, मे बी अगर आप लोग पॉजिटिव साइड भी जानना चाहते हैं और कुछ और भी चीजें जानना चाहते हैं कि वॉट वी कैन लाइक, ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े से ऐसे मुद्दों पे हो जिसपे बात करना हमें भी अच्छा लगे, तो डेफिनेटली बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। हेलो 1 2 3, तो थीम तो आपको पता ही है किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इंट्रो आप शुरू करेंगे, आप होस्ट कर रहे हैं, आप शुरू कीजिए इंट्रो। तो हो गया। ओके। 1 घंटा 26 मिनट ना, मैं यहाँ से स्टॉप करूँ रिकॉर्डिंग? हाँ आप कर सकते हो।